ये समा मौज का कारवा आज है हम सफर है ले चला है कहाँ ये समा मौज का कारवा आज है हम सफर है ले चला है कहाँ ये समा ये अभी लहर जो बह गई है जाने चुपके से क्या कह गई है ओ हो हो ओ हो हो ये अभी लहर जो बह गई है जाने चुपके से क्या कह गई है मुस्कुराए फजा गुनगुना उठे ये जमी आसमान ये समा मौज का कारवा आज है हम सफर है ले चला है कहाँ ये समा
अपना नहीं, मैं हूँ और मेरी तन्हाइयाँ। जहाँ अब है मंजिल कहाँ, छूट गया हम सफर है, हो गया कारवां ये समां। जी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं सर? मतलब बारिश का क्या हाल है सर? बारिश तो हो रही है, बारिश तो हो रही है, रात से हो रही है। अच्छा बारिश तो हो रही है, बट एट द सेम टाइम बारिश के साथ साथ जो कुछ और हो रहा है वो बड़ा गलत हो रहा है, बिकॉज आई लेफ्ट होम एट अ वेरी डिसेंट टाइम, मतलब रख के आप 1.5 घंटे का रखते हैं, बिकॉज आई लिव इन मलीर कैंट, तो वो काफ़ी दूर है यहाँ से, तो मैं 1.5 घंटे पहले का निकला हुआ एंड फिर 8:31 पे मैंने उनको कॉल किया। यूजली आई एम हेयर बाय यू नो 40 तक मैं आ जाता हूँ, 30 तक आ जाता हूँ, बट टुडे वाज जस्ट हॉरिबल। बट एनीवे थैंक यू टू लासी साहब जिन्होंने बड़ी अच्छी ड्राइविंग की और स्टिल मेड इट, लेकिन इट वाज वेरी डिफिकल्ट आज, बड़ा मसला था। सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गाइज, सुबह सुबह आपको इतने अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलते हैं, ऐसे कहाँ से सोच के लाते हो तुम? बस रात में 4-5 गाने निकाल लेता हूँ और सोचता हूँ कि गाते हो रात में? नहीं गाता नहीं हूँ, अभी तो कहा है कि 4-5 गाने रात में गा लेते हो। नहीं निकाल लेता हूँ कि सुबह ये गाना है, फिर आपसे मशवरा लेता हूँ कि कौन सा सेलेक्ट करना है। मुझसे कोई मशवरा नहीं होता, ये जो इनका दिल चाहता है वो ये गाते हैं। बट अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अच्छा जी, तो आज का जो शो है वो बड़ा अच्छा है, मुझे हमेशा ऐसे शोज बड़े अच्छे लगते हैं जहाँ पर अपने ख्याल रखने की बात है कि आप अपना ख्याल किस तरह से रखेंगे। डॉक्टर्स आर गोइंग टू बी हेयर, हर्बलिस्ट्स आर गोइंग टू बी हेयर, और आपके सवालात के लिए मैं लाइन जो है वो ओपन कर दूंगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं। वंस यू गिव अस अ कॉल तो हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो आपको ये बताएंगे कि एग्जैक्टली यू नो आपको अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आपके माइक लगा हुआ तो आ जाइए प्लीज़, आ जाइए। डॉक्टर लाइबा इज़ हेयर, तो लेट्स टॉक टू हर। अस्सलाम वालेकुम जी। बाकी लोग आहिस्ता 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 लोग आ रहे हैं, बारिश में तैरते हुए आ रहे हैं, बारिश में तैरते हुए लोग आ रहे हैं, बिल्कुल। तो बट अस्सलाम वालेकुम, आपको बारिश नहीं लगी? नहीं मुझे लगी, लेकिन मैंने थोड़ा टाइम मैनेज कर लिया, थोड़ा टाइम, आई हैड एन आइडिया कि बारिश ज्यादा है। हाँ वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कराची में जब बारिश होती है, पाकिस्तान में कहीं भी बारिश होती है, ड्राइविंग के लेसन हमको देने चाहिए। आपा एक मिनट, बैग तो दे दें, इतना बड़ा बैग लगता है, इसके अंदर लोग भी आ रहे हैं, आ जाए आप आ जाइए। रानी आपा इज हेयर, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वैसे वैसे इनवाइटिंग देम हेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आपा? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत अच्छी, पता नहीं सभी लोगों को बहुत अच्छी लगती है, मुझे ऐसे लगता है कि आई थिंक आई एम कुछ ज़्यादा तेज़ी कर दिया, बट ओके बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक आई एम वन ऑफ दोस पीपल जिसको बारिश में ना सिर्फ एक चीज़ का फिक्र होती है कि ड्राइविंग जो हो बस वो ठीक हो है ना। बट बारिश यहाँ की और बाहर की बारिश में बहुत फर्क है। बाहर की बारिश डिप्रेसिंग है, यहाँ की बारिश फिर भी अच्छी लगती है मुझे। डिप्रेसिंग है बाहर की बारिश? वो ग्लूमी डेड वेदर एंड एवरीथिंग। नो बिल्कुल भी नहीं, अगेन आई थिंक इट्स यूएस, आई एम सॉरी, आप पता नहीं यूएस एंड देन यूके डिफरेंस, यूके इज नोन फॉर द डिप्रेसिंग वेदर। रियली? या अच्छा, मुझे यूके का वेदर हमेशा बहुत अच्छा लगता है, आई लव दैट वेदर। मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ पर बारिश हो, बर्फ हो, बर्फ़ तो खैर कम पड़ती है, लेकिन बर्फ़ हो, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, समर्स हो या विंटर्स हो, और विंटर्स मुझे यूके की बहुत अच्छी लगती हैं। मैं हूँ और रिवर थेम्स हो, और उसके बाद कोई भी ना हो, मैं बोल रहा हूँ मुझे वो पॉसिबल नहीं कि कोई भी ना हो। नहीं, वो तो मैं एक दिन मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को, मैं बड़ा होकर मैंने यही काम करना, बड़ा होकर भी आपने बड़ा होकर, ठीक है। तो आई लाइक बारिश। आपको बारिश जी, मुझे बाहर की बारिश बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ पर हमारे यहाँ जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती, हमारे यहाँ बारिश का पहला कतरा पड़ते ही लाइट को बंद कर देते हैं या लाइट चली जाती है। पहला कतरे से रोमांस का क्या ताल्लुक है? हमें ना पड़ते ही बारिश में रोमांस क्यों जाग जाता? वो इसलिए कि ये वेदर कराची में कम होता है, और जो पंजाब में तो अक्सर होता है ना, स्टिल वहाँ भी रोमांस जागता है, पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर पेशावर तक। बाहर की बारिश और यहाँ की बारिश में क्या ये फर्क है? वहाँ रोमांस नहीं जागता। मैं तो कह रहा हूँ बाहर अगर बारिश होती है तो भी लोग काम कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ जैसी बारिश होती लोग बस आज काम तो नहीं करना, बिल्कुल पकौड़े समोसे डेट्स ये निकल आती है सारी। लेकिन कराची में मैं समझती हूँ रात की बारिश होनी चाहिए, रात भर बारिश हो और दिन भर बिल्कुल सुकून का वेदर हो, क्योंकि दिन भर की बारिश से कारोबारी ज़िंदगी रुक जाता है कराची का,
यहाँ पर सड़कों पे पानी खड़ा हो जाता है, अखिलाज लेकिन आप ही हमारे यहाँ है, पूरी दुनिया में नहीं रुकता, पूरी दुनिया में नहीं। जी चाहिए छुट्टी का, हाँ मौका चाहिए। अब बिल्कुल, मैं जब थाईलैंड में थी तो मैं हैरान हो गई, हम लोग क्लास लेने गए, बाहर आए ज़बरदस्त गरज चमक बारिश, मैं तो डर गई, मैंने कहा या अल्लाह हमें कराची याद था कि यहाँ का मौसम तो ऐसा है, अब क्या होगा, हम होटल तक कैसे पहुँचेंगे। थोड़ी देर बाद वहीं तेज़ धूप, ना पानी ना कुछ, देखते ही देखते पल लम्हों में मौसम बदल गया, कोई गंदगी नहीं। इसी तरह मैं टर्की में थी, मैं हैरान हो गई कि हम लोग घूमने के लिए गए हैं क्रूज़ में, क्रूज़ के लिए लाइन में लगे में तेज़ मूसलाधार बारिश, और क्रूज़ में जाते जाते बारिश रुक गई, ना कोई गंदगी ना कोई ख़राबी। ऐसी तरह बाहर के तमाम ममालिक में, जब मैं पेरिस में, लंदन, जहाँ कहीं गई, हती कि स्विट्ज़रलैंड में भी बारिश हो रही है और एकदम, हालांकि वहाँ का मौसम कितना कूल होता है, लेकिन कोई गंदगी नहीं। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी चीज़ देखी वो हांगकांग में देखी, मतलब इस तरफ बारिश हो रही है और इस तरफ धूप निकली हुई, जेन्युइनली मतलब एक एक वो कॉरिडोर सा जिसके अंदर आप जाते हैं एयरपोर्ट पर, तो मैं वो हांगकांग एयरपोर्ट पर ही था, तो इस तरफ बारिश थी और इस तरफ बिल्कुल धूप थी, बहुत खूबसूरत है। रेनबो था, रेनबो, I don't know, रेनबो वगैरह तो मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, तो बोला ही था धूप में जब बारिश होती है तो नहीं, I was inside the airport, तो बड़ी बात है, बहुत खूबसूरत मनाज़िर होते हैं। हम लोग खौफज़दा होते हैं कराची की बारिश से कि यहाँ पर तो जल थल हो जाएगा कारोबारी जिंदगी। अभी आपने लाहौर में बारिशें नहीं देखी है, आपका हॉरिबल हॉरिबल बारिश है, हॉरिबल। मतलब मैं ये समझती हूँ पंजाब में, पूरे पंजाब में गंदगी नहीं होती क्योंकि वहाँ पर नाला सिस्टम है, क्योंकि मैं खुद रही हूँ 11 साल। नहीं, हमारे यहाँ भी नाला सिस्टम है, नाले पे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं यहाँ हाँ, यहाँ पर सूप की दुकानें हैं नाले पे, यहाँ पर वही नाले के ऊपर कुर्सियाँ लगा के हम लोग खाना वाना खा लेते हैं। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बंस रोड पे का ये मंजर, बंस रोड पे नहीं, आप हैदरी पे चले जाइए, आप नॉर्थ नाजवाब में चले जाइए, हाँ इट्स वेरी कॉमन। आप लोग इधर रहने वाले लोग हैं ना, आप लोग कम जाते हैं ना, मतलब आप लोग कहाँ जमदमा कीर्तन DHA, आप लोग इस तरफ से तो निकलते ही नहीं है, अगर आप लोग कभी इस तरफ से निकले तो फिर आपको पता चले। किसी दिन मैं राउंड पे निकलूंगी नालों के रेस्टोरेंट स्पॉट करने। जेन्युइनली देयर आर नालों के ऊपर बने हुए रेस्टोरेंट, एंड कोई कुछ नहीं कर रहा इस बारे में, हाइजीन लेवल। हमारे यहाँ नालों पे बिल्डिंग्स बनी हुई है, मैं आपको सच बता, हमारे यहाँ कब्रिस्तान बनी हुई है, कब्रिस्तान की बिल्डिंग लेके लोगों ने वहां पर भी बनाए हुए हैं। अच्छा, आप आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? आज हम मौसम के बारे में बात करेंगे कि मौसम, चूँकि बारिश का मौसम है और पूरे पाकिस्तान में बारिश है, लेकिन ख़ास तौर से कराची का वेदर इन दिनों यहाँ पे बहुत संगीन सूरत हाल हो जाती है, सेहत के पेश नज़र भी यहाँ पे, चूँकि गंदगी से बीमारियों की वबा फूट जाती है, डायरिया फैल जाता है, बुखार हो जाता है, छोटे बच्चों में वॉमिटिंग्स और बुखार का ऐसा एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला होता है कि आपको रेमेडी बताएंगे ऐसी? जी बिल्कुल बताऊंगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आप क्या बात करेंगी? इस मौसम में जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं बिकॉज़ ऑफ द मॉइस्ट वेदर, बेतहाशा हो जाती है, यस मॉइस्ट वेदर की वजह से फंगल बहुत ज़्यादा हो जाता है, रिंगवर्म, स्केबीज का बहुत कॉमन मसला है जो इस मौसम में होता है, एक्जिमा एग्रीवेट हो जाता है, तो स्किन के हवाले से हम बात करेंगे। ऑलराइट जी, टेलीफोन लाइंस मैं आपको ओपन करके दे रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं, ब्रेक के बाद जाएगा कहीं नहीं, इट्स अबाउट हेल्थ एंड हैक्स। आज का प्रोग्राम इसलिए बहुत अच्छा बिकॉज ये जब प्रोग्राम हम करते हैं ये वाला, तो हमेशा आप लोगों की बेतहाशा कॉल्स आती हैं, आज भी हम कॉल्स लेने जाएंगे लेकिन ब्रेक के बाद। खुद की देखभाल और खुद से मोहब्बत का मतलब अपने जिस्मानी, जज्बाती और जहनी सेहत का ख्याल रखना है। इसमें मुतवाजन गिजा खाना, मुनासिब नींद लेना, वर्जिश करना और रोजाना की सफाई शामिल है। जज्बाती तौर पर अपने एहसासात को कबूल करें, मुस्बत बातें सोचें और वक्तन फवक्तन अपनी पसंदीदा सरगर्मियां करें। जहनी तौर पर मनफी ख्यालात से बचें, दिमागी चैलेंजेस कबूल करें और अपनी खूबियों को सराहें। खुद से मोहब्बत करने का मतलब है खुद को माफ करना, अपनी कामयाबियों का जश्न मनाना और खुद को कबूल करना। Alright, जी, once again, Assalamualaikum जी, मरियम इज़ हियर, मरियम Assalamualaikum, हाउ आर यू, कैसी हैं आप, ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर आयशा अब्बास इज़ हियर एंड समहाउ शी इज़ सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ एंग्री विद अस, आई हैव नो आइडिया व्हाई, बट Assalamualaikum जी, कैसी हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ इज़ योर थिंग गोइंग दैट डैन इज़ अ
progressing now? Yes, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. तो आज आप किस सिलसिले में बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में? आज हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे. ओके, और आज क्या बताने वाली हैं आप लोगों को? आज मैं एक अच्छी सी एक रेमेडी बताने वाली हूँ वेट लॉस के लिए, और हम ओबेसिटी को कवर करेंगे. ओबेसिटी को कवर करेंगे और वेट लॉस जो है वो किस तरह से होता है इसके बारे में हम बात करेंगे. आपा आपसे शुरू करते हैं. सो टेल मी, और टेलीफोन लाइन्स हम खोल रहे हैं. आप डॉक्टर साहब से स्किन के बारे में पूछ सकते हैं, आपा से आप ओवरऑल जनरल हेल्थ के बारे में पूछ सकते हैं. आज आपा जो डिस्कशन कर रही हैं वो गर्मी जो बारिश में मौसमी बुखार हमें हो जाता है, नज़ले खांसी एलर्जीज जो हो जाती हैं उसकी वजह से, तो आप थोड़ा सा बताइए इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, इस मौसम में सबसे ज़्यादा एलर्जीज होती हैं. देखिए, एलर्जी एक ऐसी प्रॉब्लम है, दुनिया की वाहिद प्रॉब्लम, जिसका कोई इलाज अब तक मुमकिन नहीं हो सका. सिर्फ आप उसके लिए प्रिवेंट करने के लिए कुछ वक्ती तौर पर दे सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को एलर्जी का मुस्तकिल मसला है उन लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से जड़ी बूटियों में अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है. बनफशा की पत्तियाँ यानी बरगे बनफशा मुकम्मल तौर पर एलर्जी का इलाज है. आपा को दो चार ही लोग दुनिया में रह गए जिन्हें बनफशे के बारे में पता होगा. मैं वही मैं कहती हूँ. आई एम नॉट लुकिंग एट यू, आई एम जस्ट सेइंग कि दो चार. नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रफ्ता रफ्ता एक जमाना आया था बीच में कि हम हर्ब से बहुत करीब हो गए थे, लेकिन फिर हम दूर होते जा रहे हैं. देखिए, हमारे वो मॉर्निंग शोज में हमने आना छोड़ दिया, उसकी वजह से हम दूर हो गए. सिंपल सी बात ही है, वरना पहले जब अच्छा ये बहुत बड़ा रीजन है. पहले हम बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक बातें करते थे. जी, ऐसा जी, नहीं जी, है जी, नहीं जी, तो फिर और ऑर्गेनिक वो वाहिद इलाज है जो आपकी किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है बगैर किसी साइड इफेक्ट के. तो दुनिया में अभी भी देखिए जितने भी हम जैसे एक पिक्चर आई थी इंडिया में, उसका नाम था शादी के साइड इफेक्ट्स. अच्छा, तो जिस पता नहीं वो उसको खत्म करने की सलाहियत रखता है नहीं रखता, लेकिन होता है ना. मतलब या वो तो जो आप बात करते हैं ना कि जोड़ों की तकलीफ, तो जोड़ों का दर्द वाला ही जानता है. कुछ लोगों को भी पता चलने जा रहा है थोड़े दिनों के बाद कि मुझे लग रहा है शो आज मेरे पे ही है. थोड़े दिनों के बाद पता चलेगा शो मेरे पे ही है. और इन्हें शायद पता चले ना चले, अली को बहुत पता चलेगा. अली भी लाइक ओके. बिल्कुल जी, तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात. बोथ वेज, बोथ वेज, ओके चले. जी हाँ, अभी हम बात कर रहे थे बरगे बनफ्शा की, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जड़ी बूटियों की मालूमात लोगों को कम से कमतर होती जा रही है. अब इन प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों को पता चल रहा था, उनमें सूझबूझ पैदा हो गई थी, लेकिन अब फिर वो दूर होते जा रहे हैं, और इंशाल्लाह जब हम आते रहेंगे तो दोबारा से उनकी यादों में ताज़ा हो. अच्छा, उसको बरगे बनफ्शा लेके क्या करें, उसे देखते रहें क्या करें? बरगे बनफ्शा की एक मुट्ठी ले लीजिए, उर्दू में बनफशा की पत्तियाँ या बरगे बनफशा एक मुट्ठी बिल्कुल साफ मिलेगा कहाँ से? पंसारी की दुकान से. और देखिए, जो हम जड़ी बूटियाँ बताते हैं वो बहुत आम है, हर एक जानता है, और वो जड़ी बूटियाँ हम बताते हैं कि जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है. जड़ी बूटियाँ हज़ारों की तादाद में हैं, उनके नाम इतने मुश्किल हैं, लेकिन वो जो पेचीदा जड़ी बूटियाँ हम उन पर कभी डिस्कस नहीं करते. आपा, हम गए पंसारी के पास, हमने बरगे बनफशा ले लिया. जी जी, और फिर 50 ग्राम ले लें इतनी आएगी. ठीक है, ठीक है. एक उसमें से तोड़ी और एक मुट्ठी बरगे बनफ्शा ली, उसको धोया बिल्कुल साफ कर, मिट्टी उसके नीचे बैठ गई धोकर, और एक कप पानी में उसको बॉईल कर लिया. उसको दो तीन बॉईल दे लिए, उसके बाद वो ठंडा हो गया, बंद कर दीजिए. जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए छान कर पी लें. कोई भी शख्स, उसमें ना कोई शुगर ऐड करने की ज़रूरत, ना कोई टेस्ट डेवलप करने की ज़रूरत. क्या शुगर के पेशेंट इसको पी सकते हैं? हर एक पी सकता है. और जो दुनिया में वाहिद एक ऐसी जड़ी बूटी है जो सिर्फ और सिर्फ एलर्जी का वाहिद इलाज है. आप लाखों टैबलेट ले लीजिए, हर एक का कोई ना कोई साइड इफेक्ट है, लेकिन जड़ी बूटियों का कोई साइड इफेक्ट नहीं जो हम बताते हैं. कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल, ना कड़वा ना खट्टा ना मीठा, नो टेस्ट. आप इसको ले सकते हैं बच्चों को. तो ये किस चीज़ के काम आती है? एलर्जी, बुखार के, नज़ला, जुकाम, खांसी, सीने में दर्द, जिस्म में कहीं फंगस हो गया है, कहीं दाने हैं, स्किन की एलर्जी है, बालों की एलर्जी है, फंगस. जी जी जी, हर किसी जो फंगस जो आपको एलर्जी से हुआ है वो एलर्जी से लाखों बीमारियां होती हैं, लेकिन किसी को नहीं पता. कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पैदाइशी तौर पर दूध को हजम नहीं कर सकते जी, उनका भी बेहतरीन इलाज है ये. तो उसके बाद वो दूध पी सकते हैं? जी बिल्कुल.
ऑलराइट जी, सो बर्गी बनफशा है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा, प्लीज़ मेक श्योर कि आप हर तरह से ये डिस्कशन पहले कर लें अपने डॉक्टर से। प्लीज़ मेक श्योर कि कोई जड़ी बूटी हो, ऑर्गेनिक या अनऑर्गेनिक कुछ भी हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। बिकॉज देखें, मुझसे ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें शायद कम ही लोग इस्तेमाल करते होंगे। एट द सेम टाइम आपको नहीं पता कि आपके अंदर बॉडी के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, आपकी बॉडी किन चीज़ों से गुजरती है, और जब वो गुजरती है उसके बाद आपके अंदर कोई चीज़ तब्दील होती है। देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आपा, ऑर्गेनिक चीज़ों के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो आपके लिए बुरी साबित हो सकती हैं, सो मच सो कि जहर साबित हो सकती हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, इस बात को समझिएगा, डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर के पास हर 6 महीने के बाद आपका जाना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए, आपने अपनी सेहत की टेक केयर करनी है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आप कहाँ हैं इस वक्त, आपकी सेहत किस जगह है, आपके डॉक्टर को पता होना चाहिए। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हु दिस इज़ ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं सर, आप सुनाएं, सब खरीत है? अल्लाह का शुक्र डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मेरा एक सवाल है रानी आपकी से। जी जी, मेरे ना फादर साहब है ना, हम लोग बेसिकली रहती है लाहौर के लिए अच्छे फेज से। क्या कह रहे हैं सर आप? मेरे वालिद साहब जो ना लाहौर में रहती है डीएस के फेज से। ओके, उनके ना जो बैक बोन है ना, कमर के नीचे दर्द नहीं जा रहा। ओके, मैं रानी आपा से पूछ लेता हूँ, फिर इनसे पूछूंगा, सबसे पूछूंगा, लेकिन उसके लिए आपको पूछना मुझे से पड़ेगा, एंड में बता रहा हूँ मैं। मुझसे ज़्यादा कमर के बारे में कोई नहीं जानता जी। रानी आपा जी, जी भाई का मैंने बात सुनी, टोबर टेक से में रहते हैं तो ननकाना साहब। जी जी जी, आप इसके लिए रोगन सुरंजाने तलख, ये एक जड़ी बूटी है सुरंजाने तलख, वो बाज़ार से लेकर किसी तेल में, यानी सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है, उसमें पका लें, ये बना बनाया भी मिल जाता है। रोगने सुरंजाने तलख, यानी सुरंजाने तलख का तेल ले लीजिए, थोड़ा सा उसको गर्म कर लें, इतना कि स्किन पर महसूस हो, और जिस जगह आपके वालिद के दर्द है उस जगह पर इसी तेल का मसाज करें बहुत नर्म हाथों से, और उसके बाद कोई ग्रिप बैंडेज यानी गर्म करने के लिए, या कुछ आप ऐसा गर्म कपड़ा रखकर गर्म बोतल की आप सिकाई करें, इंशाल्लाह ताला जो आपको किसी और चीज़ से फ़ायदा नहीं पहुँचा इस तेल से बहुत फायदा पहुंचेगा। डॉक्टर साहब, डू यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट? यस, मैं तो फिर आई वुड से इट इन द एलोपैथिक एस्पेक्ट से कि प्लीज़ उनके सारे टेस्ट कराएं, कोई अर्थराइटिस का इशू तो नहीं है, कोई BMD जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो टेस्ट कराएं उनकी, कहीं कहीं हड्डियों में कोई ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, और कैल्शियम विटामिन डी के टेस्ट करा के एक प्रॉपर ऑर्थोपेडिक को दिखाएं कि कोई डिस्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिस्क बल्जेस तो नहीं है, कोई नर्व कंप्रेस तो नहीं हो रही, उस हिसाब से फिर उनकी मेडिकेशन हो सकती है। ऐसे ऑन एयर तो जब तक टेस्ट हाथ में नहीं हो कुछ बता नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल उन्होंने सही कहा, यही इनके सारे टेस्ट होने ज़रूरी हैं। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी कि अगर इनका वेट ज़्यादा है तो उसको कम करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ये सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ होते हैं वो इसी चीज़ के होते हैं कि ये लोग अपने वज़न के ऊपर ध्यान नहीं करते। ये ऐसे ही है कि जितना भी एक्स्ट्रा वेट हम कैरी कर रहे होते हैं वो सब हमारे जॉइंट्स पर ही आता है। तो अगर ये वर्जिश की तरफ जाते हैं, 30-40 मिनट्स वॉक करते हैं और अपना वेट रिड्यूस करते हैं, तो डेफिनेटली इनके जो जॉइंट्स हैं उसको बहुत आराम मिलता है, और इतना अच्छा रिलीफ है वेट लॉस करने से इन सारी चीज़ों का कि बहुत सारे पेन किलर्स हैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जान छुट जाती है। मैरियम, यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट? कुछ कहना चाहती हैं? आपके घर में कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जहाँ? मैं, मेरे तो खुद कमर में बहुत दर्द रहता है, मुझे बता दें। आपको सब बता रहे हैं, पोस्चर का भी बहुत ख्याल रखें कि वो किस तरह बैठते हैं, या और वो बार बार आफ्टर सम ब्रेक्स वो उठें और थोड़ा चलें फिर बैठें, एक जगह कांस्टेंट बैठने से भी ये प्रॉब्लम और एक ही करवट और एक ये हमारे सियासतदानों को भी कहा गया है कि एक जगह बैठे ना रहें, दूसरों को भी मौका दे दें। टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सर? जी अल्लाह का शुक्र है जी भाई। सर नाम? सर मोहम्मद यासीन। यासीन भाई, क्या 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 कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? सर मुझे है ना गर्मी में काम करने का दिल नहीं करता, दिल घबराता है बहुत ज्यादा। ये तो हमारे मुल्क में 90% लोगों का हाल है, किसी का भी काम। मुझे कमजोरी बहुत है। कमजोर तो ऐसा क्या काम करते हो तुम जिससे कमजोरी हो जाती है भाई? सर मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी? अच्छा ये बताएं, खाना सुबह कितने बजे खाते हैं आप, नाश्ता कितने बजे करते हैं? हाँ जी
7 बजे करता हूँ ये। 7-8 बजे तो मजदूरी करने का दिल नहीं चाहता या काम ही करने का दिल नहीं चाहता? नहीं सर, गर्मी में दिल घबराता है, दिल करता काम ना करो, छाव में चला फिर ठीक हो जाती तबीयत। छाव में चले जाओ तो ठीक हो जाती है? हाँ जी, गर्मी में दिल नहीं करता काम करने को। आप बताना कुछ चाहेंगी? बताना चाहूंगी कि आप अपने साथ पानी जो है वो वाफर मकदार में रखा करें। पानी अगर आप ज्यादा पीते रहेंगे साथ साथ तो इंशाल्लाह आपकी तबीयत जो है वो बेहतर रहेगी। और थोड़ा सा आपको जब भी टाइम मिले तो छांव में आप चले जाया करें और पानी अच्छे तरीके से पी लिया करें, क्योंकि गर्मी की शिद्दत वाकई बहुत ज्यादा है कि इसमें इंसान परेशान हो जाता है। लेकिन अगर आप पानी बहुत ज्यादा पियेंगे तो इससे इंशाल्लाह आपको बहुत अफाका मिलेगा। जिसम में कुछ नमक होते हैं जब वो कम हो तो उससे भी आप लिथार्जिक या जिस तरह बहुत थकावट आपको फील होती है, तो अगर जिस तरह उन्होंने मेंशन किया पानी, उसमें अगर उसको थोड़ा नमक या लीमू भी शामिल कर लें तो उससे भी थोड़ी हाइड्रेशन या थोड़ा आपका जिस्म बेहतर महसूस होगा, या जिस तरह ORS होता है वो डाल लें उससे भी बेहतर होगा। बाकी खाना अगर आप सही खा रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप नाश्ता तो सही टाइम पे कर रहे हैं, खाना भी टाइम टू टाइम खाएं और उस हिसाब से आप मजदूरी करें तो आई थिंक आप ठीक रहेंगे इंशाल्लाह। जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा कि ये मजदूर हैं, इनकी जिस्म के नमकियात निकल जाते हैं पसीने की वजह से, और जब नमकियात जिस्म में कम हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है और कोई भी काम करने को दिल नहीं चाहता। सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगी कि तमाम मजदूर हजरात जो मैं देखती हूँ वो सर पर कोई ना कोई कपड़ा रखते हैं, आप वो तमाम लोग जो ऐसे मेहनत कश हैं वो अपने सर पर गीला कपड़ा रखा करें, कपड़े को गियो, जो आपके पास रुमाल है उसको गीला करके अपने सर पर लपेटें, कितनी भी धूप हो आप सर अपना सर पर गीला कपड़ा लपेट कर जाएं, और ORS का जैसे कि आपने कहा एक पानी बनाकर 1 लीटर पानी ले लें और उसमें एक पैकेट ORS का डालकर अपने साथ रखें और वक्तन फवक्तन उसको आप पीते रहें, थोड़ा ज़रूरत बेज़रूरत, इंशाल्लाह ताला आपकी जिस्मानी कमज़ोरी और ये जो वीकनेस हो जाती है ये तमाम की तमाम कंट्रोल हो जाए। अच्छा, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, तमाम लोगों के लिए ORS सबके लिए बहुत अच्छा है, लीमू जो है वो सबके लिए बहुत अच्छा है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर आपका दिल वैसे ही काम करने को नहीं चाह रहा तो वेलकम टू द क्लब, मतलब हमारे यहाँ मुल्क में किसी का भी काम करने को दिल नहीं है, 70 साल हो गए, मतलब मैंने 90-10% लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं, 90% तो मतलब मौसम हो गया, बारिश हो गई, धूप हो गई, छांव हो गई, दिन हो गया, रात हो गया, वी आर ऑल चिल्ड, सम हाउ वी हैव दिस बिलीव कि अल्लामिया दे देंगे, ऑफ कोर्स अल्लामिया ही देते हैं, उसके अलावा कोई नहीं देता, लेकिन देन वी शुडंट कंप्लेन कि हमने ये जो ज़िंदगी आप गुजार रहे हो ना, उस ज़िंदगी में जितनी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो ये ज़िंदगी आपको उसी हिसाब से रेसिप्रोकेट कर रही है, आपको उतना दे रही है। आज सुबह सुबह एनीवे जाने दीजिए, मैं ये रेडियो वाली बातें हैं तो वो रेडियो पे हम करेंगे, वो सुन लिया कीजिएगा, ट्यून कीजिए मुझे, मैं आपको रेडियो पे बता दूंगा, बट काम करने का दिल अगर आपका नहीं है तो याद रखिए आपकी ज़िंदगी में कभी तब्दीली नहीं आएगी। ब्रेक जी। ड्राई स्किन के लिए हम कोई ऐसे मॉइस्चराइजर्स यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, जिससे हमारी स्किन काफ़ी ग्लोइंग और नज़र आती है। इसके अलावा हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारी ड्राई स्किन खुद ब खुद ठीक होती चली जाती है डे बाई। फ्रूट लेने चाहिए, वेज चाहिए, वेजीज लेनी चाहिए और इससे आपकी स्किन अच्छी होती है। और बाकी ये कि आजकल सीरम चल रहे हैं तो सीरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब जाहिर सी बात है वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये कि आपके लिए बेस्ट है कि आप वाटर इनटेक बहुत अच्छा करें। हम अपनी स्किन का ख्याल ऐसा रख सकते हैं कि हम अच्छी डाइट ले सकते हैं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं एंड बेहतरीन प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन के ऊपर। ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइजर यूज़ करें और चावल का पानी यूज़ करें, उसके लिए आपके जो पोर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपकी स्किन दूसरों को ना। हम तो मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करते हैं जो बच्चियाँ और हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बहुत सारे वेज हैं, एक तो हेल्दी ईटिंग की वजह से आप लोग कर सकते हैं कि अच्छा खाना, अपनी डाइट में प्रोटीन फाइबर एंड ये सब जो है वो इंक्लूड करना, मॉर्निंग रूटीन अपनी, इसमें स्किन केयर के आप प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिक ज़रूरी नहीं है कि फुल ऑन रूटीन हो आपका। स्किन ग्लोइंग के लिए विटामिन सी सीरम, रेटिनॉल, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके और मतलब कि अपनी फेस को मतलब वॉश करके मुझे ऐसा लगता है कि साफ़ होगा। हमें केयर करनी चाहिए अपने चेहरे की, डस्ट से बचाना चाहिए, बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं यूज़ करने चाहिए ज़्यादातर। दूध की मलाई लेके उसको कॉफ़ी में मिक्स करके जिसमें मास्क की तरह वो लगाती है और कुछ भी नहीं। स्किन के लिए पानी तो कहते हैं ज़्यादा पिए, लेकिन मैं तो इतना पीती हूँ कुछ भी नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से और मेकअप को अवॉइड करने से। नहीं, आपको नज़र नहीं आ रहा बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है डॉक्टर साहब।
जी सबने बातें अपने तरीके से तो सही की हैं, बट उनका सबसे अच्छा था कि मैंने पानी मैं पीती हूँ लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। बट इसका रीज़न ये है कि आप पानी बेशक पी रही लेकिन आपकी स्किन को जो मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत है वो आप नहीं कर रही हैं, जो इट नीड्स मॉइस्चराइजिंग। दूसरा, सबने हैक्स अच्छे बताए हैं। ड्राई स्किन बहुत कॉमन मसला है लेकिन उसका मेजर सोल्यूशन सिर्फ मॉइस्चराइजिंग है, या जिनकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन हो तो हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करें। ओके, नहीं तो वो लोग जो जैसे किस उम्र के अंदर आपको स्किन का ख्याल करना चाहिए, मतलब किस उम्र से शुरू करना चाहिए? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। काफ़ी है, मैंने बच्चियाँ देखी हैं 10-11 साल की एज से ही स्टार्ट हो गई इंस्टाग्राम को देखे। नहीं, अपनी स्किन लेट इट बी ग्रो करें आराम से, लेट इट बी। आई थिंक जब टीन एजर्स में आते हैं हम, और ये जब एक्ने ब्रेकआउट्स होना स्टार्ट होते हैं उस एज से, आई थिंक यू शुड स्टार्ट अराउंड द एज ऑफ 15-16 से। अच्छा, फिर तो लेकिन क्या मॉइस्चराइजर भी 15-16 से? यस, नहीं, मॉइस्चराइजर तो आजकल बच्चों को आई थिंक बहुत कम एज से ही लगाना शुरू कर दिए, बिकॉज जैसे ही कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी स्किन में इशूज़ होते हैं, ड्राइनेस, कुछ लोगों को पैदाइशी होती है। okay. तो डॉक्टर्स बचपन से ही रिकमेंड करते हैं मॉइस्चराइजिंग। जो आप देखते हैं ना बेबी लोश लग रहा होता है, दैट इज़ मॉइस्चराइजिंग। आप मॉइस्चराइज कर रहे हैं ना? ऑफ कोर्स। सो बस वही बचपन से ही मॉइस्चराइजिंग स्टार्ट हो जाती है। स्किन की ड्राइनेस दूर करने के लिए मॉइस्चराइजिंग से बेहतर तरीका कोई भी नहीं। और जाहिर है मॉइस्चराइजर कोई भी आप ले सकते हैं या घर में बनाया जा सकता है? वो घर का तो आप बताएंगे, लेकिन ये है कि मॉइस्चराइजर आपको अपनी स्किन टाइप, जिसमें ड्राई स्किन है तो वो अमूमन ड्राई स्किन के लिए एक ही टाइप का मॉइस्चराइजर। जिनकी ऑयली स्किन हो वो क्या करें? वो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करें, वाटर बेस्ड या नॉन कॉमोडोजेनिक प्रोडक्ट्स, वरना फिर आपके जो पोर्स हैं वो नॉन कॉमोडोजेनिक, उन पे लिखा होता है। जो कॉमोडोजेनिक है देर ऑयली, ठीक है, नॉन कॉमोडोजेनिक है जो नॉन, जिनकी स्किन ऑयली होती है उनके लिए वाटर बेस्ड, अब हाइड्रो बूस्ट जिस तरह हैं, कुछ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स हैं वो यूज़ करें, वरना यू स्टार्ट टू पर्ज मोर, एक्ने और आ जाता है। अच्छा, ये बताइए कैसे पता कि स्किन जो है वो ऑयली है, कैसे पता चलता है ड्राई है, कैसे पता चला कॉम्बिनेशन स्किन है? देखें, कॉम्बिनेशन स्किन वो होती है जब आपका टी जोन, जो ये नाक, ये वाला चिन का एरिया और फोरहेड पे आप यूँ हाथ लगाएं और ऑयल आए, ठीक है। ड्राई स्किन है, आप जितना मर्जी इसको कुछ भी यू वाइप ऑफ, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आता, ठीक है। ऑयली स्किन वो होती है, आप रात को सोएंगे सुबह उठेंगे आपको एक्चुअली टिश्यू लेके सारा वाइप आउट करना पड़ता है, इतना वो आपके फेस पे ऑयल आ जाता है। लेकिन ऑयली स्किन इज अ ब्लेसिंग, ये बहुत कम इज अ ब्लेसिंग, ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन इट्स अ ब्लेसिंग क्योंकि आप एज बहुत स्लो करते हैं उसमें। ओके, आप एज बड़ी स्लोली करते हैं। हाँ, आपके इश्यूज हैं जिस तरह आप एक्ने ज़्यादा होती है, बट ये सारी चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन ऑयली स्किन इज अ ब्लेसिंग। मैं कहती हूँ आप बिल्कुल अपना जो सीबम प्रोडक्शन है उसको बंद ना अच्छा, करें। मैंने जो जिंदगी में सबसे खूबसूरत स्किन देखी है वो अफ्रीकन की देखी है। Yes. उनसे बेहतर स्किन उसका रीजन किसी की भी नहीं है। उसका रीजन है क्योंकि इनमें मेलेनिन बहुत ज्यादा है। ओके, एंड दैट इज स्किन प्रोटेक्शन, जो हम गोरी गोरा होने के चक्कर में क्रीमें लगा के, इंजेक्शंस लगा के हम मेलेनिन मार देते हैं और वो एक्चुअली इज प्रोटेक्शन ऑफ द स्किन। मैं एक दफा बेवरली हिल्स में था, तो वहां आपको जाहिर है वो एक दो दिन का मेरा स्टे था, तो मैंने गाड़ी रेंट नहीं की थी, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे कोई ऊबर वगैरह इस टाइप का कर दो, तो एक मुझे मिला। He was 72 years old. You couldn't tell his age. No, and he looked like 30-some. He looked like 30-some, and I was like, "Skin stretched to yes, yes." And it was just good to know that such people exist. करते हैं जी. एक टेलीफोन कॉल, let's see who this is online. Assalam alaikum. जी, वालेकुम सलाम. आपका नाम है? जी, महनाज साथ का बात. जी महनाज, बताइए क्या कहना चाहती हैं? Assalam alaikum and good morning to all guests. आप सबको सलाम कर रही हैं। शाबाश बच्चों। जी आगे। मैंने प्रोग्राम के हवाले से बात करनी थी, लेकिन उसकी सबसे पहले आपके लिए कुछ लिखा है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं सुनाना चाहूंगी आपको। प्लीज सुनाइए। हेलो जी, आपकी बात नहीं है? जी जी मैं ना सुनाइए प्लीज सुनाइए। आपका अंदाजे बयां, आपकी मुस्कुराहट शो की पहचान है। आपके आल गेस्ट स्पेशल मेजबान साहिर लोधी शो की जान है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लिख ये सेगमेंट हम, खुदा सलामत रखे हमेशा साहिर आपको, खुदा सलामत रखे हमेशा साहिर आपको। कुकिंग का ये सेगमेंट हमारे किचन की शान है। वेरी नाइस, थैंक यू जी। शो को मस्तियाँ यूं ही सलामत रहे हमेशा। आपका ये गाना, आपकी ये अदा बोल चैनल की पहचान है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आपका शुक्रिया पूरी टीम का, आपकी कॉल्स का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, यही हमारे दिलों का अरमान है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सवाल बताइए, बहुत शुक्रिया इसके लिए, थैंक यू सो मच। मेरा सवाल, वैसे तो
अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी केयर करती हूँ। बस मेरा छोटा सा सवाल था कि आईज के नीचे ना लाइंस बन रही हैं, तो इस वजह से डॉक्टर फाइजा से मैं पूछना चाहूँगी। डॉक्टर फाइजा हमारे पास नहीं है, डॉक्टर लाइबा है। डॉक्टर लाइबा जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, बता दीजिए। अब मुझे इनकी एज तो पता नहीं है। महनाज आपकी एज क्या है? ठीक है। अब एक तो आपका या तो ड्राई स्किन का इशू होगा, या फिर आपकी नज़र अगर ठीक नहीं है और आप अपनी आंखों को बहुत स्ट्रेन करती हैं, बहुत ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइम है, बहुत ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल है और आपका आंखों पे प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से भी डार्क ये जो आंखों के नीचे लाइंस हैं वो पड़ती हैं। अच्छा, लाइंस पड़ती हैं। और दूसरा, कोई आई क्रीम या कोई मॉइस्चराइजिंग अगर आप कर रही हैं तो अपनी आंखों के नीचे भी एक हल्की सी लेयर लगाया करें, क्योंकि वो क्रीस बन जाती है जब स्किन ड्राई होती है। तो एक अच्छी सी चाहूँगी कि आप बता दें मतलब कौन सी क्रीम लगानी चाहिए आईज के नीचे। कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आपके घर में मौजूद हो, या आई सीरम्स बड़े मौजूद होते हैं और अच्छी प्राइसेस में भी मिल जाते हैं आजकल, तो पाकिस्तान में भी बड़ी अच्छी प्रोडक्शंस हो रही हैं चीज़ों की, तो आंखों के नीचे के लिए सीरम्स मिलते हैं, आप वो रात को लगा के सोएं। या फिर टी बैग का भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल है, अगर आप टी बैग्स भी रात को लगा लें, जो ग्रीन टी बैग्स होते हैं वो भी लगाएँ, तो उससे भी लाइन्स हैं वो भी काफ़ी कम हो जाती हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, टी बैग्स किस तरह से लगाने ये भी बता दीजिए। आप उनको पानी में सोक करें, जिससे आप डालते हैं गर्म पानी में, या इवन जो ल्यूक वार्म वाटर, थोड़ा नीम गर्म पानी में उसको, उसके बाद निचोड़ के आंखों में लगा के 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें, एंड देन बस उतार दें। दैट्स इट, ग्रीन टी लिख। और ग्रीन टी आप पी भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। यस, सो यू मेक ग्रीन टी, आप ग्रीन टी बना लें और उसके बाद बना टी बैग्स को फेंके नहीं, आप उसको इस्तेमाल कर लें। आई थिंक दैट्स रियली गुड। सारे फ्रीजर में रख दें और जब लेटे आराम करें तो वो निकाल के रखें फ्रीजर में। जी, इस्तेमाल करने के बाद वो सारे किसी बॉल में करके फ्रीज़र में रख दें, ताकि वो बिल्कुल ठंडे हो जाएं। और आँखों के ऊपर हमेशा बहुत ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उससे ना सिर्फ ये कि आँखों की बिनाई में इजाफा होता है, दिमाग की कुव्वत भी तेज़ होती है और तमाम रिंकल्स, डार्क सर्कल सब खत्म हो जाते हैं। इवन ये जो बर्फ़ की क्यूब्स हमारे पास होते हैं, सोने से पहले अगर आप रोजाना, सोने से पहले तो नहीं, मैं तो सुबह उठ के करता हूँ। सुबह उठ के भी होता है, लेकिन रात को सोने से पहले डेली अगर आइस क्यूब आप लगा लेते हैं और फिर आप सो जाते हैं, तो एक तो रेड बहुत होता है, सर्कुलेशन बहुत बेहतर होती है चेहरे की, और यही रिंकल्स के लिए बहुत चाहिए होते हैं 10 मिनट रेस्ट करने के लिए बस। अच्छा, उसके बाद क्या, आपने जब ये लगा लिया तो उसके बाद आप ऑयलिंग कर सकते हैं, लगा सकते हैं कुछ? अगर आप नहीं, आप इसको छोड़ देंगे फिर आप सो जाएंगे ना, बिकॉज वो नहीं, तो आपको मॉइस्चराइजर नहीं लगाना आपको उसके बाद। उसके बाद आप 10 मिनट का छोड़ दिया आपने, फिर आप लगा लीजिए कुछ भी कर आफ्टर 10 मिनट। अच्छा, अगर आप अर्ली मॉर्निंग आइसिंग करें जैसे कि हम लोग करते हैं शूट से पहले, तो आपने फॉरन आइसिंग करने के बाद नहीं कुछ मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेना, आपने 5 मिनट का रेस्ट देना है, ताकि आपकी स्किन थोड़ी रेस्ट उसको मिले, उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर लगाना है। हम फौरन लगा लेते हैं, मॉइस्चराइजर भी लगा लेंगे, उसके कुछ सेकंड बाद सीरम भी लगा लेंगे, फिर हम लोग बोलते हैं यार हमारा मेकअप क्यों ख़राब हो रहा है, ये केकी क्यों हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आप अपनी स्किन को रेस्ट नहीं देते हैं और लेयर पे लेयर आप लगा रहे होते हैं। ये आजकल बहुत आम है कि आप अपने अब एक बोल लेके आप अपने चेहरे को उसमें डिप कर लें ठंडे पानी के अंदर, या फिर आप ये लगा लें। अब मैं तो खुद अब करने लगा हूँ, और मुझे लगता है कि और कुछ हो ना हो, एक चीज़ ज़रूर होती है, आपकी आँखें एकदम से खुल जाती हैं एंड यू आर जस्ट ऑल अवेक, एंड आपको दुनिया में सब कुछ करने का दिल करता है। ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करे, हो गया वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। कभी कभी हम लोग एक कॉन्सर्ट में थे बैक, जब मैं रेडियो करता था यूएस के अंदर, तो वहाँ पहला कॉन्सर्ट हुआ कुमार सानू का, तो ही केम ऑन माई शो रेडियो पे ना, तो मैं बड़ा, मुझे लगा मैंने कि क्या बात है यार, कुमार सानू आए ना। अच्छा, यू डोंट रियलाइज के जो स्टूडियोज की रिकॉर्डिंग होती है वो बिल्कुल अलग होती है, जो लाइव होता है वो बिल्कुल अलग होता है, और लाइव के अंदर अगर जरा सी की गलत हो जाए तो इंसान पता नहीं कहाँ का कहाँ। तो ही वॉज टॉकिंग टू द ऑडियंस एंड ही चेंज द होल ट्यून ऑफ लेके, मानता नहीं, it was अनबिलीवेबल, बट it was ब्यूटिफुल। दो कुमार सानू साहब कमाल है, कमाल है। अच्छा, बहुत बहुत कमाल, बहुत। हमारे यहाँ भी एक हैं कुमार सानू, उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, और ख़ासतौर पर जब वो कहते हैं हे
तो आपको ब्रेक में सुनवाएंगे हम जी, या आप लोगों को तो वैसे पता ही चल गया नहीं, मैं हम तो फैन हैं इनके, अब तो फैन जी। There you go, that's it, that's it। अच्छा जी, एक लोगों ने क्या कहा है ये हम आपको सुनवाते हैं, उसके बाद बात शुरू करते हैं जी। प्लीज दिखाइए। हाथ पैरों के दर्द के लिए मैं ये कहूँगी कि एक तो आजकल हमारा जो है बहुत 80% वुमेन्स में जो है विटामिन डी का मसला चल रहा है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि आपको बाय मेडिसिन भी इंटेक करना पड़ेगा और थोड़ा आपको धूप वगैरह लेनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए तो आपको ये है कि विटामिन डी वगैरह के लिए तो आपको मेडिसिन ही आपको लेनी पड़ती है, क्योंकि फूड में तो नहीं है आपका इतना कोई कि आप लें और आपका विटामिन डी कवर हो जाए। मैं अदरक हल्दी और थोड़ी दालचीनी मिला के उसका सफ़ू बना लें और उसको शहद में मिला के और उसको चाटे दो, यकीनन जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। फ्रीज़र की चीज़ें हम लोग यूज़ करने लगे हैं आजकल, जो है फ्रोज़न फूड वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो नहीं करने चाहिए, उसकी वजह से जो है घुटनों के अंदर ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और आई जी, जोड़ों का दर्द, डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं, जोड़ों का दर्द सही कैसे हो सकता है, क्या खाने में कुछ ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिससे जो जोड़ों का दर्द है वो ठीक हो जाए? खाने में चीज़ें ले सकते हैं जैसे कि भुने हुए चने अगर इस्तेमाल करते हैं रेगुलर तौर पे, भुने हुए चने मुट्ठी भर रेगुलर तौर पे, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, तकरीबन 4-5 महीने इंशाल्लाह भुने हुए चनों पे ही आ जाएंगे, आपको ना मुर्गी मिलेगी, ना आटा मिलेगा, ना चीनी मिलेगी, ना दाल मिलेगी, चने वाफर मकदार में मिलेंगे, चने खाइए। अच्छा भुने हुए चनों का पैकेट भी सस्ता नहीं है, तकरीबन 180 रुपए का पैकेट। सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह एक दूसरे को मांग मांग के खाइएगा। हाँ, 180 रुपए का पैकेट है। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि विटामिन डी का, जैसे कि बता रही हैं, अब लोगों में हमारे बहुत अवेयरनेस होती है, विटामिन डी बहुत ही थोड़ी चीज़ों में हमें मिलती है, तो हम क्यों ना उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें कि हमें विटामिन डी मिलती है। वो हमें अंडे से ज़ाहिर जर्दी से हासिल होगी, मछली से मिलती है, या होती है, या वो वाली चीज़ें जिस पे कि स्पेशली लिखा हुआ हो। मेरा एक सवाल है यहाँ पे, अभी अपने का अंडे पे, वो अंडा जो हम खाते हैं उसका अंडे से तो कोई ताल्लुक नहीं होता मतलब वो एक ऐसी चीज़ होती है जो बस होती है, वो देसी मुर्गी का तो अंडा होता नहीं, वो जिस मुर्गी का अंडा होता है बड़ी मुश्किल से वो मुर्गी होती है। हाँ, लेकिन हम मतलब आप अगर नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा महंगा, अगर हम देसी मुर्गी के अंडे हासिल करना चाहें तो वो भी अवेलेबल है, जहाँ पे वो वाले अंडे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो अंडे में दिखने में अंडे हैं उसके बराबर ही जो डब्बा रखा हुआ होता है डबल कीमत में, देसी मुर्गों के अंडे भी रखे हुए होते हैं। मुर्गे अंडे नहीं देते, देसी मुर्गी के मुर्गी, आपने कहा मुर्गों के, मैं हैरान हो गया, कोई नई दरियाफ्त कर ली हमने, मुर्गे भी अंडे देने लगे। नहीं, मैं प्लूरल में बात कर रही थी, प्लूरल बता रही थी। उसके अलावा पालक का इस्तेमाल है, बीन्स का इस्तेमाल है, मछली का इस्तेमाल है, ये वो चीज़ें हमने लेनी है। दूसरा, हम सूरज की रोशनी हासिल नहीं करते, और ये वो सबसे बड़ा फैक्टर है कि जोड़ों के दर्द का होता है। एयर कंडीशन में बैठना, अपार्टमेंट्स में बैठना, अच्छा पर्दा हम ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन घर के अंदर हम पर्दा कुछ अरसे के लिए हमने अपनी बॉडी को यहाँ से हटाया, और ऐसी खिड़की की रोशनी से जहाँ से सूरज हमें लगे हमारे जिस्म को, वो तो हम हासिल कर सकते हैं, और डेली हमें 15 से 20 मिनट हासिल करना है, ये प्रैक्टिस तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल, और ये वाकई करनी भी चाहिए, और ये लॉजिकल बात है, कोई इतनी महंगी चीज़ें नहीं, कोई महंगी नहीं, पता नहीं फजूल चीज़ों में बड़ा सारा पैसा जाया करते हैं, तो पालक तो आप जरूर ले सकते हैं। और सूरज की रोशनी तो मुफ्त है, मुफ्त है जी। एक अस्सलाम वालेकुम जी, बताइए, नहीं पता चल जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, साहिर फरजाना बात कर रही हूँ कराची से। आप सभी को बहुत सरप्राइज़ है, रानिया अपा हैं, डॉक्टर लुबना, तो बहुत अच्छे बात में कॉल मिली, आपका शो बहुत अच्छा होता है। मैं यूट्यूब पे तो मैं लाजमी देखती हूँ, क्योंकि मैं सुबह के टाइम कॉलेज होती हूँ, लेकिन आज मैं लाइव देख रही हूँ और मेरी छुट्टी थी तो मैंने कहा कॉल ट्राई करती हूँ। बहुत अच्छा शो होता है और हर तरह से भरपूर कम्प्लीट शो है। और मेरी बेटी का एक स्किन का प्रॉब्लम है। हेलो जी, जी बात कीजिए फरजाना जी। तो मुस्कान फातिमा मेरी बेटी है, 16 ईयर ओल्ड, तो उनकी चीज पे ना पिंपल्स बहुत निकलते हैं। ओके, तो उसके लिए मुझे कुछ हर्बल रेमेडी रानिया आपस से मैं चाहूंगी। तो रानिया को माशाल्लाह बहुत बाबो बहार शख्सियत है, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी एक दफ़ा, और माशाल्लाह डॉक्टर आयशा और सभी आप सभी की गुफ्तगू माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही है। और मैं उम्रे पे गई थी साहिब, मैंने आपके लिए और आपकी मदर के लिए खुसूसन बहुत दुआएं की, बहुत नवाज़िश, हमेशा आप सभी मेरी दुआओं में रहते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
आपा जी जी एक्नी सबसे पहले तो ये कि मुझे नहीं पता कि उनकी एक्नी की कहाँ तक है, सिर्फ फेस पर है या दोनों बाजुओं पर, चेस्ट और बैक पर भी है? सिर्फ पीठ पर है? नहीं, बैकनी जो होती है, बैक को बोला, बैकनी होती है ना आपा, चले जहाँ भी है, चेहरे पर है, आपके फेस पर है, पीठ पर है, दोनों बाजुओं पर है, और जो बड़ी हुई एक्नी होती है वो चेस्ट और बैक दोनों पर भी होती है, आपके जहाँ कहीं भी है। सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी बच्चियों को या बच्चों को जो इस टीन एज से गुजर रहे हैं, आप ग़िज़ाओं से दूर ना करें, क्योंकि डॉक्टर्स उनको अंडा, मछली, मुर्गी से दूर कर देते हैं। यही ग्रोइंग एज है, आप उनको इस्तेमाल कराएं, चेहरे को दिन में ज़्यादा से ज़्यादा वॉश कराएं, कोशिश करें कि उनके चेहरे से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सक रहे। और इसके अलावा एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, आप ज़रूर आप बनाकर इस्तेमाल करें, मुल्तानी मिट्टी आप थोड़ी सी लेकर, आजकल पिसी पिसाई मिलती है, अरके गुलाब में भिगोकर रख दीजिए और उसमें एक पिंच हल्दी शामिल कर लीजिए, और किसी भी वक्त अपनी बच्ची को अगर बैक पर है तो पूरी बैक पर उसका लेप लगा दें आधे घंटे के लिए कि वो खुश्क हो जाए, और जब वो खुश्क हो जाए तो उसको अच्छी तरह हाथों से मलें ताकि जो पस वाले दाने हैं या ब्लड वाले दाने हैं वो फूट जाएँ, और उसके बाद आप उनको वॉश करवा दें। चेहरे पर भी इस तरह करें आप इंच, और नीम का जो आपके करीब कोई दरख्त होगा तो नीम की जो निबोलियाँ होती हैं वॉश कराने के बाद उन निबोलियों का अंदर से रस निकाल कर वो उनके चेहरे पर और उनकी बैक पर लगा दीजिए और लगा रहने दीजिए, इंशाल्लाह ताला विद इन वीक बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा नीम के दरख्त के पास आप लोग जब भी जाएँ, दोपहर में जाइएगा, रात को जिन होते हैं तो शाम में निकाल दिया ना, तो हमारे यहाँ तो जिनकी ज़िंदगी अजाब है, उससे ऐसे ऐसे काम ले रहे होते हैं हम लोग, वो बालों में आ जाता है रहता है, फिर वो उठा के ले जाना चाहता है, तो ये बड़े मसाइल हैं हमारे यहाँ जिनके, और फिर जिनको छुट्टी भी नहीं मिलती, 50-50 साल से वो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होता रहता है, नानी को था, फिर बेटी को हुआ उनकी, फिर उनकी बेटी को हो गया, वही जिन है मजदूरी कर करके पागल हो गया, तो जिन्नात के पास भी जिन है क्या जी? हुकूमत में भी ट्रांसफर होता है, वो जाहिर है, वो तो दूसरा जिन है एक, उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते, तो प्लीज़ एहतियात कीजिएगा, बिकॉज ऐसा ना हो फिर आपको किसी बाबा के पास जाना पड़े, बाबा जिन निकाले। अच्छा, जिन तो निकलता नहीं है, बाबा अंदर से निकल आता है, फिर आप लोग कहते हैं कि बाबा निकला, खाली हो जाती है जी, जिन नहीं निकलता जेब खाली हो जाती है, जाहिर खाली हो जाती है, जेब खाली जरूर होती है, लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि बाबा के हालात तो बेहतर नहीं होते, बाबा तो फिर भी टूटी हुई कोठरी के अंदर, बाबा का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बाबा तो वही मतलब नहीं, बाबा को जानते ही नहीं, बाबा बैठा होता है, वो तो एक स्वांग है जिसने रचाया हुआ है, आपको जी स्वांग बाबा के हालात क्यों नहीं बेहतर, बाबा के हालात बहुत बेहतर है, आपको अंदाजा ही नहीं है, बाबा जब मरेगा तब पता चलेगा कितनी दौलत है बाबा के पास। और ऑनेस्टली जहां पर एक नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक एक तावीज के 2000 रुपए हों, जहां पर आप कोई मतलब अल्लाह ताला हम पे रहम करे। दूसरी बात आपा ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, प्लीज़ मेक श्योर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग विद इट। जब आप ग्रोइंग एज में होते हैं, 15 साल की उम्र में होते हैं, तो बहुत सारी अंदरूनी तब्दीलियां आ रही होती हैं, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड डॉक्टर के पास, हार्मोनल इशूज़, तो डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी। एक टेलीफोन कॉल और, लेट्स सी हू दिस ऑनलाइन, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, साहिल भाई ठीक ठाक हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, आपका नाम? मेरा नाम ज़किया। ज़किया कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ करोड़ शुक्र है जी। ज़किया माशाल्लाह ऐसे शो तो लेडीज के पसंदीदा शो होते हैं। ओके थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बताइए। रानिया पर और आयशा, डॉक्टर आयशा तो अक्सर ही माशाल्लाह मुलाकात होती है निधा के शो पर, टीवी पे, वैसे तो लाइव कभी नहीं मैं देखी इसको, माशाल्लाह बहुत अच्छी, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियां फरमाए। मैं पूछी थी कि ना मेरे यूरिक एसिड अक्सर ही ज़्यादा आता है, अभी मैंने कल गई थी डॉक्टर के पास, उन्होंने मेरा चेक करा था तो 6.4 पॉइंट आया है यूरिक एसिड। कोई इजी से कोई टिप बता दें मुझे डॉक्टर आयशा। अच्छा, इसमें यह है कि आपका यूरिक एसिड 6.7 आया है, ठीक है, 7 आया है, तो बॉर्डर के ऊपर है। अगर आपका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है, एक तो आप इसको कम करें, दूसरा थोड़ा सा शौक़ होता है हमारे यहाँ ऑर्गन मीट खाने का, कि अभी बकरा ईद भी गुजरी है तो हो सकता है उस पर भी आपने कलेजी और गुर्दे और ये सारी चीज़ें खाई हों, एक तो आप ये ऑर्गन मीट इसको बिल्कुल ख़त्म करें खाना, रेड मीट इसका इस्तेमाल ना करें, और आप कुछ अरसे के लिए चली जाइए वेजिटेबल्स पे, ठीक है, इसमें आप पालक और टोमेटोज़ का इस्तेमाल ना करते हुए बाकी वेजिटेबल्स लें, सैलड
ऑमलेट के फॉर्म में लें, स्टीम फॉर्म में लें। अंडे को इस्तेमाल करें हफ्ते में 3 मरतबा। दालों का, सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको फिर मैं नहीं डालूंगी किसी मेडिसिन पे। एक महीना आप ये डाइट करें, वेजिटेबल्स लें, सैलड्स लें, रेड मीट बिल्कुल ना लें, चिकन भी आप हफ्ते में 2 दफ़ा लें और फिश आप ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपका यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा। जब वापस आते हैं तो बात करते हैं मज़ीद। ये याद रखिएगा, यहाँ ये लोग जितना भी आपको बता लें करना आपको पड़ेगा। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, बार बार आई कांट से इनफ, प्लीज़ मेक श्योर आप अपने करीबी फिजिशियन से जाके ज़रूर मिलें, जो आपका डॉक्टर है उससे ज़रूर मशवरा करें कुछ भी खाने और लगाने से पहले। ब्रेक जी। खुद की देखभाल का मतलब है अपने आप को वक्त देना और अपनी जरूरियात को पहचानना। इस पर न सिर्फ जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना शामिल है जैसे मुतवाजन गिजा और वर्जिश, बल्कि जहनी सुकून के लिए भी वक्त निकालना जरूरी है। अपने शौक पूरे करें, कुदरत के करीब जाएं और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए मेहनत करें। ये सफर खुद से मोहब्बत करने और अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर जीने का है। Alright, जी, once again, welcome back. So, question वही है जो हमने पहले किया था कि जोड़ों का दर्द जाहिर है जोड़े बेहतर जानते हैं, लेकिन तकलीफ तो होती है, कहीं ना कहीं दुकान तो होती है आपको। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब आप नई नई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हो बहुत अरसे के बाद, तो प्लीज़ ऐसा कोई पॉस्चर ना करें, इतना एग्जर्ट अपने आप को ना करें, बहुत स्लोली शुरू करें। 10-10, 15-15 मिनट के लिए अचानक से आपको एहसास हो कि नहीं, आप थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, आप जंप कर जाएं, उससे आपकी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, बहुत तकलीफ़ के अंदर आप आ सकते हैं। अच्छा आप, अब सवाल ये पैदा होता है जो उन्होंने कहा कि जी स्किन के लिए किया जा सकता है, अब आते हैं जोड़ों के दर्द पे। तो जोड़ों के दर्द के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जोड़ों का दर्द, कुदरत ने हमारे जो जॉइंट बनाए हैं ये बड़े जोड़ हैं, ये सारे बड़े जोड़ हैं, और ये वाले जो हैं ये छोटे जोड़ हैं। तो बड़े जोड़ जो है वो जोड़ों का दर्द कहलाता है और छोटे जोड़ों का दर्द गठिया का दर्द कहलाता है। ओके जी, तो बड़े जो जोड़ हैं अल्लाह ने इसके अंदर एक ग्रीस पैदा की है जो कि हमारे चलने से, हमारी वॉक करने से, हमारे एक्टिव रहने से वो ग्रीस सर्कुलेट होती रहती है और हम काम करते रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा आराम कर लेने से या ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लेने से ये ग्रीस कम हो जाती है। सबसे पहले तो हमें तवज्जो ये देनी है कि ये ग्रीस दोबारा से कैसे डिवेलप हो सकती है। इसके लिए हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जैसे साबूदाने का इस्तेमाल कसरत के साथ करें, सिर्फ पानी में पकाकर। इसके अलावा नहीं पकाना चाहिए? नहीं, दूध में पकाने से उसकी उफादियत खत्म हो जाती है। इसके अलावा एलोवेरा जो हमारे यहाँ चारों तरफ उगा हुआ है, इसको कसरत के साथ, घी गवार कहते हैं जी, घी कवार, गवार गंदल बोलते हैं कुछ लोग, गवार गंदल, घी कवार जी, घी कवार, एलोवेरा। इसका 1 इंच का टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा एक ले ले और एक पत्ता। पापा इतना बड़ा 1 इंच नहीं होता। नहीं नहीं, एक बड़ा टुकड़ा लेकर रख लें अपने पास और छिलका उतारें, ऊपर से पूरा ना करें, एक छिलका उतारें और उसमें से तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा चम्मच के साथ अपने मुंह में रखें, ऊपर से पानी। कड़वा होता है वो? बहुत कड़वा होता है, एलोवेरा इज वेरी, लेकिन वो बिल्कुल आपको एक टैबलेट की तरह आप मुंह में रखें, ऊपर से पानी पी लें तो स्लिप हो जाएगा और वैसे खाने में बहुत कड़वा। आज रात से एलोवेरा ढूंढना शुरू कर दो और ये सुबह से हम एलोवेरा खाएंगे और ये और बेटा तो, अगर मैं ना खाऊं तो तुम खा लेना असर मुझे तो हो जाएगा। मैं सिर्फ जोड़ों के दर्द के लिए नहीं, ये बालों के लिए, आंखों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद। मैं कसम खा के कहता हूं ये सब करो, लेकिन डॉक्टर के पास जरूर जाना, ऐसा ना हो कि ये सब करो हार्ट अटैक से मर जाओ खुदा को। और हमारी कौम को ऐसे हमने टोट के बता बता के पागल कर दिया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ और रानी आपा तुम्हारे मौत को शिकस्त नहीं दे रही, खुदा गवाह था, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ टोट के। अच्छा साहब देखिए, जिसको लेकिन डॉक्टर के पास जरूर चले जाना, जिसको कोई डॉक्टर दुश्मन नहीं है, दुश्मन नहीं है वो तुम्हारा जी। जब किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है तो ऐसा नहीं होता कि वो अपने टेस्ट नहीं कराते। नहीं कराते? नहीं, मैं आपको बताऊं, नहीं कराते। मैंने एक साहब से पूछा, मैंने कहा भाई शुगर कितने दिन से, 20 साल हो गए, तुमने कभी टेस्ट कराई? चेक ही कभी नहीं कराई। ये तो अपने आप से दुश्मनी है, ये तो खुद से दुश्मनी। अच्छा एक टेलीफोन कॉल लेती हूँ ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है, नाम क्या आपका? मेरा नाम मैथिली है और मैं तजुर्बा से
ऑलराइट जी जी मरियम बताइए क्या कहना चाहती हैं। मुझे अपने फेस के बारे में पूछना है, मुझे मेरा फेस बिल्कुल कॉम्प्लेक्शन दिख रहा है। ओके नहीं आई कांट हियर यू, आपको अपने वेट के बारे में पूछना है या अपने कॉम्प्लेक्शन के बारे में पूछना है? स्किन के बारे में पूछना है। स्किन के बारे में तो बताइए क्या पूछना है। मेरे फेस पे ना छोटे-छोटे पिंपल्स बहुत ज्यादा नहीं 10 या 12 मुझे लेकिन वो बहुत बुरे लगते हैं। आई डोंट नो मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, क्या कह रही है जरा जरा क्लियरली बात कीजिए। मेरे फेस पे छोटे छोटे तिल हैं। ओके ओके अच्छा मुझे उनके बारे में पूछना है। जी जी बताइए डॉक्टर साहब। अच्छा जो तिल है वो तो रिमूव हो जाते हैं और ये तिल स्प्रेड भी होते हैं, अब ये तिल किस तरह के हैं, वो ज़्यादा उभरे हुए हैं या बिल्कुल ब्लैक कलर के हैं, वो चेक करना पड़ेगा हमें देख के, लेकिन ये रिमूव हो जाते हैं और ये सिंपली आप किसी भी डॉक्टर के पास जो स्किन के स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाएं ये रिमूव हो जाते हैं। और मैंने शायद कॉम्प्लेक्शन भी सुना उन्होंने। जी बिल्कुल कॉम्प्लेक्शन की बात। अब मुझे आपकी एज नहीं पता, मुझे आपकी रूटीन नहीं पता, आपकी एज क्या है आपकी रूटीन क्या है, लेकिन बात कर लीजिए अगर मरियम है तो। आप हैं ऑन कॉल हैं मरियम? मेरी उम्र 22 साल है और मेरा है अच्छा देखें मरियम एक बार पहले तो आपने टीवी को बंद कीजिए और बात कीजिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ये पूछ रहे हैं आपकी एज क्या है और आपका डेली रूटीन क्या होता है, आप क्या करती हैं, आप यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, कोई जॉब करती हैं, आपकी क्या रूटीन है? 22 ईयर है। जी जी मरियम जी मरियम मेरी उम्र 22 साल है और मेरे को कुछ ब्लैक डॉट्स बने हैं, कोई उभरा हुआ तिल नहीं, बस मैं कहती हूँ मेरी स्किन इवन टोन हो जाए। स्किन इवन टोन हो जाए। अच्छा अब मरियम मोस्ट प्रॉब्ली आप मेरे ख्याल यूनिवर्सिटी जाती होंगी या कॉलेज जाती होंगी, तो आपका सनब्लॉक का इस्तेमाल किस तरह का है? सनब्लॉक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, उससे जो है आपकी जो कम्प्लेक्शन है वो अनइवन टोन की तरफ जाती है। ये जो हमारा मौसम आजकल चल रहा है बारिशों का, इसमें भी स्किन बहुत डल हो जाती है, पिगमेंटेशन बढ़ जाती है, आपको तो ऐसा लगता है जैसा जो है ना वो फेस ऑयली भी बहुत हो जाता है, स्किन भी जो स्किन है वो डार्क लग रही है, डल लग रही है, कुछ मौसम की वजह से भी होता है ये। आप कुछ भी सबसे अच्छा तरीका जो है वो चावलों का आटा या जो हमारा पोटैटो होता है आलू होता है उसका पानी अगर आप लगाएं अपने फेस पे वो स्किन ब्राइटन करेगा। जो तिल हैं वो किसी डॉक्टर के पास जो स्किन के डॉक्टर हैं उनके पास जाके रिमूव कीजिएगा, वो रिमूव हो जाते हैं एक सेशन नहीं तो मैक्सिमम 2 सेशन में वो रिमूव हो जाते हैं। ऑलराइट थोड़ा सा आपको ना अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा और प्लीज़ सनब्लॉक और प्लीज़ अंडरस्टैंड मैं ये बात पहले नहीं समझा था लेकिन ज़िंदगी में बहुत लेट समझा, लेकिन सनब्लॉक का इस्तेमाल करना आपको बहुत ज़रूरी है बहुत सारे, क्योंकि सनब्लॉक में एक चीज़ होती है जिसे SPF कहते हैं। देखिए बहुत सारी सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर, तो बहुत सारी ऐसी क्रीम्स आती हैं, बहुत सारे ऐसे मेकअप्स आते हैं, फाउंडेशंस आती हैं, बीबी क्रीम्स आती हैं जो आप लगाने से आपको सनब्लॉक की प्रोटेक्शन सन की जो प्रोटेक्शन है वो मिल जाती है, लेकिन प्लीज़ सनब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इवन अगर आप चूल्हे के आगे, पहले नहीं हमें ये बात समझ आती थी लेकिन आप चूल्हे के आगे लाइट्स के अंदर है तो भी आपको सनब्लॉक लगाना है। आपने मुझसे 4 शो पहले तक आपने डिबेट की थी इस पे कि चूल्हे के ऊपर कैसे सनब्लॉक लगाते हैं और आज आप ये बोल रहे हैं। नहीं मैं उसका रीजन बता रहा हूँ, देखें लेकिन सनब्लॉक लगा के फौरन नहीं जाना, आधे घंटे से पौना घंटा आपने वेट करना है उसके बाद असर तब होता है। जी एग्जैक्टली और दूसरी बात ये केमिकल का कोई भी रिएक्शन हो सकता है, सो प्लीज अंडरस्टैंड। और ये प्लीज कम्प्लेक्शन बेहतर करने के लिए जो वाइटनिंग क्रीम्स जो हैं वो बिल्कुल जो ओवर द काउंटर मैं नाम नहीं ले सकती ना लेना चाहूँगी वो मत इस्तेमाल करें, उनमें मर्करी शामिल है, उनमें स्टेरॉइड्स शामिल हैं, आपकी स्किन तबाह बर्बाद हो जाएगी। आप बेहतर है चावलों का आटे का इस्तेमाल करें, उसका मास्क बनाएं, अक्सर शो पर बताया जाता है, और जो आलू है उसका रस निकाल के वो यूज़ करें वो बहुत बेहतर है, और कुछ अच्छी क्रीम्स भी अवेलेबल हैं जो स्किन ब्राइटन करती हैं लेकिन प्लीज़ डॉक्टर के मशवरे के साथ फिर इस्तेमाल करें। ऑलराइट जी बताइए क्या कहना चाहती हैं आप, क्या मशवरा देना चाहती हैं उन लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, गठिया के जोड़ों का दर्द है, कौन सी खुराक बोलें? इसमें सेसमे सीड्स जो होते हैं जिसको तिल के बीज हम कहते हैं उसका रोल बहुत अच्छा है और उसका इस्तेमाल करें रात को सोने से पहले दूध में। उसके अलावा रात को सोने से पहले अक्सर ये होता है कि लोगों को भूख लग रही होती है तो वो फ्रिज खोल के बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऑफ कोर्स में बच्चे होते हैं तो वो चॉकलेट्स निकाल के या हमारे यहाँ जो है इस वक्त फूड डिलीवर करवाने के फैशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो जॉइंट प्रॉब्लम जो है उसका ताल्लुक कोल्ड ड्रिंक से बहुत ज़्यादा है। कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं वो आपके बॉडी से बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट मिनरल्स को
डिप्लीट कर देती हैं, ठीक है। कैल्शियम का होना जिस्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रिंक्स होते हैं ये नहीं पीने चाहिए, ये नहीं पीने चाहिए। तो दूध मखाने जो हैं वो आपके जॉइंट्स के लिए, उसको लेके रात में आप इस्तेमाल करें। सेसमे सीड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जिसको हम तिल के बीज बोलते हैं, दूध मखाने। और उसके अलावा आपको रात में भूख लग रही है तो आप कुछ नट्स का इस्तेमाल कर लें अपने पास। आप एक बॉटल में नट्स रखें, बादाम हैं, अखरोट हैं, इनका इस्तेमाल। उसके अलावा सीड्स हैं, ठीक है। अब चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, रात में अगर आप एक चम्मच चिया सीड्स भिगो देते हैं, सुबह निहार मुँह उसका इस्तेमाल करते हैं। सात बादाम आपने रात में भिगो दिए, सुबह निहार मुँह इस्तेमाल किया। ये जो नेचुरल, ये क्या बात है, सात क्यों? मुझे भी हमेशा नहीं, सात का हम एक नंबर बताते हैं, उसकी वजह ये कि मैं ये कहती हूँ कि बादाम रात में भिगो दें, उसके बाद क्लाइंट्स पूरी रात मैसेज करते रहेंगे कितने बादाम, कितने बादाम। भाई आप चार भिगो दें, आप पांच भिगो दें, तो फिर हमने एक सात का नंबर निकाल लिया। आप चार भिगो दें, आप पांच भिगो दें, कोई तब्दीली नहीं, इट डजंट मैटर एट ऑल। तो आप चार भिगो दें, पांच भिगो दें, वरना वो पूछते रहेंगे जी, मतलब लॉजिकल बात है, एक किलो बादाम तो नहीं आपने भिगो के सुबह खाने, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना। तो आपने थोड़े से चार पांच बादाम भिगो के वो सुबह खा लें। आप नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं, रादर देन कि आपको भूख लगी तो आपने प्रोसेस फूड्स की तरफ जाते हैं, फ्रिज वाले आइटम्स या फ्रीज़र के आइटम्स। तो ये नट्स सीड्स, उसमें चिया सीड्स, उसमें फ्लैक्स सीड्स, उसमें सेसम सीड्स, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और ये और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो कैल्शियम का इतना बड़ा सोर्स हैं, जोड़ों का दर्द नहीं होगा चाहे आप जोड़े की सूरत में ही रह रहे हो घर पे। Let me ask Maryam. अच्छा मरियम, आप क्या करती हैं अपनी स्किन की हिफाजत के लिए? ज़ाहिर है आप सारा दिन काम करती हैं, शूट्स पे होती हैं, तो आपको भी जोड़ों का दर्द तो होता होगा। यू वुड फील कि यार मैं बहुत लथार्जिक हो गई हूँ, तो क्या कोई रूटीन है आपका? मेरा रूटीन, मैं एक एनर्जी ड्रिंक है वो यही पीती हूँ। मैं डॉक्टर को बता भी रही थी ऑफ कैमरा कि एक ड्रिंक है जो अदरक, ग्रीन टी एंड सौंफ, इन तीनों से मिलके बनती है, जो मैं खुद बनाती हैं वो। हाँ, मैं खुद बनाती हूँ, ग्रीन टी एंड सौंफ जी। ओके, वो मैं रोज़ पीती हूँ, उससे वेट लॉस भी होता है, स्किन कॉम्प्लेक्शन भी साफ होता है, स्किन क्लियर होती है। और सेकेंडली, मैं अपनी स्किन पे कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करती, मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, लाइक फेस वॉश एंड क्लींजिंग, सब ऑर्गेनिक यूज़ करती हूँ। आप वो यूज़ ही नहीं करती, कोई प्रोसेस यूज़ ही नहीं? नहीं। ओके, सो दैट्स गुड, दैट्स गुड इफ़ यू कैन अफोर्ड दैट, बिकॉज ऑर्गेनिक चीज़ें जो होती हैं थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन ऐसी भी नहीं होती। किचन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप अपने चेहरे को क्लेंस कर सकते हैं। बेसन से भी आप चेहरा धो सकते हैं, जेन्युइनली बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर साहब ने बताया चावल का पानी जो है, चावल का पानी या चावल का जो आटा होता है, उससे अगर आप, चावल का आटा कहीं से भी मिल जाता है, उससे अगर आप अपने चेहरे को धोना शुरू कर दें वो वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है। एक टेलीफोन कॉल लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? फातिमा जी। फातिमा कैसी हैं आप ठीक? जी फातिमा, क्या सवाल है आपका? ठीक। सवाल क्या है फातिमा? मेरी चेहरे पर बहुत ऑयल है और मेरी स्किन पर दाने जमने जाते हैं। थोड़ा सा आप अपना टेलीविजन बंद कीजिए, टेलीविजन बंद कीजिए, फिर मुझसे बात करें। और थोड़ा आपको जोर से बोलना पड़ेगा, टेलीविजन बंद करें, टेलीविजन अब मुझसे बात करें और जोर से बोलिएगा। जी, मेरी स्किन पर दाने बने रहते हैं और चेहरे पर ऑयल भी रहता है आलवाज। अच्छा, मुझे आपकी आवाज अब भी समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा ठहर ठहर के बोले। आपकी स्किन पे आपने कहा दाने होते हैं और क्या होता है? ऑयल रहते हैं। क्या रहते हैं? ऑयल। ऑयल रहता है, ऑयल रहता है जी। आपकी एज क्या है फातिमा? फातिमा टेलीविजन बंद कर दें। 22। अच्छा 22, बंद कर दें टेलीविजन, बंद कर दें। ओके गुड, वेरी गुड। हाँ, अब सवाल अब बताइए आप जी। अब इसके लिए आपको प्रॉपर क्लिंजिंग की ज़रूरत है, मतलब फेस वॉश अच्छा इस्तेमाल करें जिससे आपका ऑयल कंट्रोल हो। दूसरा, अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिसमें ऐसी ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना हो, और गंदे हाथ या गंदी चीज़ें, किसी का टॉवल गंदा मुंह पे इस्तेमाल ना करें, उसकी वजह से दाने प्रिवेंट होंगे। लेकिन अच्छा फेस वॉश इस्तेमाल करें, किसी डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको अपनी स्किन टाइप, आपकी एज के हिसाब से आपको फेस वॉश रिकमेंड करेंगे, आप वो यूज़ करें। जिस तरह हमने मेंशन किया चावलों का आटा, वो उससे दाने भी कम होते हैं, वो आप यूज़ करें। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकती तो फिर हर्बलिस्ट हैं हमारे पास, वो आपको बताएंगे किसका क्या इलाज है। और अजीब ब्रेक है, अब से मिलते हैं ब्रेक के बाद।
सबसे पहला तो ये है कि बच्चों को बाहर ना निकालें, क्योंकि बाहर आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, गंद गुबार, इसलिए बच्चों को तो बाहर ना निकालें। आजकल जो वायरल्स वगैरह होते हैं ये विटामिन सी की हमें जो है इसमें ज़्यादा वो होती है कि विटामिन सी हमें वायरल से बचाता है, तो बच्चों को आजकल जैसे ऑरेंजेस वगैरह हैं या कोई और सप्लीमेंट ऐसे हैं कि दें जाते हैं विटामिन सी, अगर हम लेमन थोड़ा सा इसको इस करके बच्चों को 1-2 ड्रॉप्स पिला सकते हैं आप, बाकी ये कहवे वगैरह हैं वो दे सकते हैं। भाई देखिए तो माओं का फर्ज है ना बच्चों की देखभाल करें, उसके लिए क्या एहतियात करें, उबलावा पानी पिलाएं, थोड़ा सा घरेलू जो हकीमी नुस्खे होते हैं घरेलू टोटके वो करें, तो बच्चे फिर कभी बीमार नहीं होते। मैं तो अपने बच्चों के साथ यही करती हूँ। घर में भी है आप अच्छा एटमॉस्फेयर दें उनको, सब चीज़ें उनके साथ बिजी रहें, जितना आप बिजी रहेंगे वो बच्चे इधर उधर की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, और जब बाहर निकलते हैं आप शॉपिंग के लिए तो आप शॉपिंग में इतना बिजी नहीं हो जाएं कि आपको अपने बच्चे का ख्याल ना रहे। बाकायदा उनको देखते रहें बाहर, वो जिस तरह से जा रहे हैं खेल कूद से, थोड़ा सा उसमें ख्याल रखना चाहिए, फिर अगर कुछ हो तो डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। और अजीब जी, बच्चों की सेहत जो होती है बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो रही है, और इन दोनों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही है, आपा क्या कहती हैं बच्चों की सेहत के बारे में? बिल्कुल, ये वाला जो मौसम है बच्चों के लिए बहुत मुज़िर होता है, और ख़ास तौर से जो छोटे बच्चे हैं, बड़ों की तो तबीयत हो ही जाती है ख़राब क्योंकि वो बाहर की चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं उसमें सम टाइम। आपा आप बोलिए बोलिए क्या? आपको कुछ नहीं कह रहा मैं, आप प्लीज़। अच्छा, तो जो बड़े इस्तेमाल करते हैं वो बाहर से अगर चीज़ें खरीद कर खाते हैं तो उस पर मक्खियाँ बैठी होती हैं, छींटे आई हुई होती हैं गंदगी की, तो वो भी ख़राब होती हैं, बड़ों की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। लेकिन बच्चे इन दिनों बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, डायरिया बहुत कॉमन डिजीज़ है इन दिनों की जो हमारे छोटे बच्चों को होता है, उसमें वॉमिटिंग। बड़ों को भी होता है जी, बड़ों को भी। रीज़न है लाइट्स है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, और वो रेस्टोरेंट्स में वही सारी चीज़ें फिर से रीयूज़ हो जाती हैं। खुली हुई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, ढक के इस्तेमाल नहीं करते। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, हमारे करीब बहुत ज़्यादा नहीं होता मीट का भी बिल्कुल। और हम लोग सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि हमें इन दिनों कोशिश करना चाहिए कि फ्रीज़र में रखी हुई चीज़ों को कम अज़ कम इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे यहाँ जो बीमारियों का असल सबब है वो फ्रीज़ की हुई चीज़ों का, फ्रोज़न जो प्रोडक्ट हैं उनके इस्तेमाल की वजह से। और फ्रोज़न प्रोडक्ट तो बाज़ार से बाय करके लेते हैं, लेकिन हम अपने घर की जो ताज़ा चीज़ें हैं उन्हें भी फ्रोज़न बना देते हैं फ्रीज़र में डाल के। अच्छा, दूसरी एक और बात है कि जब आपको, वैसे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, जब आपको सब्ज़ी मिलती है, सब्ज़ी या चिकन आपको मिलती है, गोश्त मिलता है, कभी आप गोश्त को जाते हुए देख लें तो आप खाना बंद कर देंगे, कभी आप उन सब्ज़ियों को जो सब्ज़ियाँ बन रही होती हैं आप उनको कभी उगता हुआ देख लें तो आप जेन्युइनली वो सब्ज़ियाँ खाना बंद कर देंगे। जो पानी उन्हें दिया जाता है, मतलब गटर का पानी होता है ना, इट्स आई डोंट नो, आई थिंक इट्स एक ही चीज़ रहेगी, वही खा लें हम सब, क्योंकि और तो कुछ खा नहीं सकते। हराम है ना, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि अगर किसी के घर में छोटी सी भी स्पेस है वहाँ गमलों में ही छोटी छोटी चीज़ें लगा दें, जैसे भिंडी है, तुरई है, ये इसके लिए कोई स्पेस नहीं चाहिए होती है, ये दीवारों पर चढ़ती है, और टमाटर है। अच्छा, here's my question, डायरिया हो जाए तो क्या करें? अगर बच्चों को डायरिया हो जाए, बच्चों और बड़ों को, दोनों को, बड़ों को, बच्चों को, बच्चों को नहीं है जी बिल्कुल, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे, आप एक कहवा बनाएंगे जिसके अंदर हम डालेंगे सौंफ, पुदीना, यानी ख़ास तौर से ये, और छोटी इलायची, सौंफ, पुदीना, छोटी इलायची, इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको बॉईल करेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। बड़ों के लिए दिन में आधा कप, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, और बच्चों के लिए हस्बे एज, अगर छोटे बच्चे हैं तो टीस्पून के ज़रिए, उससे बड़े हैं तो इसी तरह 2 टेबल स्पून दिन में 3 बार। लेकिन अगर किसी को वॉमिटिंग्स और मोशन इस हद तक हो रहे हैं कि दवाओं के बावजूद वो कंट्रोल नहीं हो रहे, तो इसी कहवे में गेरू, एक जड़ी बूटी है जो लाल रंग का होता है, ये हमारे गमलों पे, गड़ों पर होता है, कोई चीज पे जैसे किया जाता है, रंग किया जाता है, जी okay. कुदरत ने इसके अंदर गेरू, गेरू इज रेड ना, हाँ, कुदरत ने इसके अंदर वो तासीर रखी है कि वो चीज़ को जमा देगा। जिन लोगों को खुदा न खास्ता यानी कंट्रोल से बाहर हो गए इमोशन, बच्चों के भी दवा ज़रूर जारी रखिए, अपने डॉक्टर का इलाज करें, डॉक्टर की मेडिसिन, डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट रहिए हमेशा। एक टेलीफोन कॉल ले लें फिर इसके बाद बात करते हैं, आप इसको ऐड ऑन भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। सलामकुम जी, आपका नाम? तूबा जी, क्या चाह रही हैं? मेरी स्किन में ना हेयर है, उसके बारे में मैंने आपसे कुछ पूछना था। यस मैम, बस तुबा
जी मैं कह रही हूँ मेरे स्किन पे हेयर है, उसके बारे में मैंने आपके डॉक्टर से पूछना था। फेशियल हेयर है। हाँ जी, तो आपकी एज क्या है? मेरी एज है 17। अच्छा तुबा, हेयर जब ज़्यादा होते हैं फेस पे वो यकीनन किसी हार्मोनल इशू की वजह से होते हैं, अगर हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, लेकिन उसका इलाज है वो हम लेज़र हेयर रिमूवल के थ्रू करते हैं। और मेरे पास कुछ इस तरह की सर्विसेज हैं, मैंने जस्ट आपको मेंशन किया था कि हम एक दिन वी चार्ज नथिंग, हम बिल्कुल कोई चार्जेस, बहुत मिनिमल 1000 रुपी होता है जिसमें हम आपका लेज़र करते हैं। आप क्लिनिक आ सकते हैं, अपना लेज़र करवा रिमूवल करा सकते हैं, उसके सेशंस होते हैं, तो आप सेशंस लें वो रिमूव हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले बच्चे अपना हार्मोन लेवल चेक कराओ, अगर हार्मोन लेवल बैलेंस नहीं है तो फिर ये बाल आते रहेंगे। ऑलराइट जी। अच्छा वैसे तू बस सरगोधा के अंदर है तो वो तो किसी भी क्लिनिक में, किसी भी क्लिनिक से जाके अपना लेजर हेयर रिमूवल करवाएं प्लीज। ऑलराइट जी, आप डायरिया के लिए कुछ ऐड करना? हां, वांटेड टू ऐड ऑन दिस डायरिया टॉपिक के नेचुरल जो होते हैं ना प्रोबायोटिक्स होते हैं, ठीक है, तो प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो कुदरती हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं और नेचुरली वो हमें योगर्ट के अंदर मिलते हैं, दही के अंदर। अगर हम कुदरती तौर पे हासिल करें तो वो योगर्ट से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं होती जो हमें नेचुरल प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, वरना हम मेडिकली तौर पे अपने पेशेंट्स को प्रोबायोटिक देते हैं, प्रोबायोन के नाम से आते हैं, एकोटेक के नाम से आते हैं। नॉट हियर टू प्रमोट ब्रांड्स, तो एक एक टैबलेट आपने ले ली नाश्ते के बाद, ठीक है, वरना दही है। अब दही जो है वो इतनी कुदरती, इसमें प्रोबायोटिक्स हैं, डायरिया को फौरी तौर पर कंट्रोल करती है। साथ में केला, बनाना डाइट, साथ में खिचड़ी, ये वो चीज़ें हैं जो बच्चे बड़े सब खा लेते हैं। सेकेंडली जो इस्बगोल की भूसी है उसके एक मेडिकल रिजल्ट्स हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो इस्बगोल की भूसी आप गर्म पानी में ले लें तो कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी। यही इस्बगोल की भूसी अगर आप योगर्ट में ले लेते हैं तो आपको डायरिया स्टॉप हो जाएगा। तो ये वो कुदरती चीज़ है कि आप उस वक्त कहवा बनाएं या आप कोई ऐसी चीज़ जो घर में नहीं है तो फौरन आपने दही के अंदर ठंडी चीज़ में इस्बगोल की भूसी मिला दी, डायरिया जो है आपका स्टॉप हो जाएगा। गर्म चीज़ में इस्बगोल की भूसी मिला दी, कॉन्स्टिपेशन। मरियम से कुछ काम लेते हैं, मरियम कॉल लीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? आसमा। आसमा, आपका क्वेश्चन किससे? जी जी आसमा, ये बताइए कि क्या कहना चाह रही हैं, क्या सवाल है आपका? जी मेरा ये सवाल है कि मेरी ना स्किन में जो भी क्रीम वगैरह यूज करूँ मेरी स्किन ना डल हो जाती है। आप क्रीम यूज करती हैं तो आपकी स्किन डल हो जाती है? जी मैं कोई भी क्रीम यूज करूँ या कुछ भी यूज करूँ। ओके ओके, डॉक्टर लाइब आपसे बात जी, रंग काला हो जाता है। ओए होए, अच्छा क्रीम बता दें ना, किसी क्रीम बता दें जी। अस्मा, पहली बात ये कि आपकी स्किन का आपको टाइप, जिस तरह मेंशन कर रहे थे कि आपका स्किन का आपका टाइप जो है वो पता होना ज़रूरी है। आप हो सकता है कि आप बहुत ऑयली स्किन के प्रोडक्ट्स यूज़ करें जिसकी वजह से आपकी स्किन मज़ीद डल हो रही है, तो आप प्लीज़ अपना किसी डॉक्टर के पास जाके अपना स्किन टाइप पहले पता करें कि स्किन टाइप क्या है, उसके हिसाब से हम आपको क्रीम्स रिकमेंड कर सकते हैं। आप इस तरह बिला वजह कोई भी क्रीम्स मत यूज़ करें, चावलों का आटा इस्तेमाल करें, स्किन वैसी ब्राइट हो जाएगी। कुछ कोई क्रीम इस्तेमाल ना करें, बस मॉइस्चराइजर। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जब तक आपको अपनी स्किन का टेक्सचर पता नहीं होगा। चेहरे पे छोटी सी रहते हैं और चेहरे पे ना बाल बहुत ज्यादा आते हैं। क्या होता है चेहरे पे? अच्छा आप लोग बाल बहुत ज्यादा आते हैं छोटी के नीचे बाल। आपकी एज अस्मा? आई थिंक यंग हैं, बहुत यंग हैं। बस वही है कि हॉर्मोन्स का, क्योंकि ख़वातीन में एक बहुत बड़ा मसला है, अगर हॉर्मोन्स बैलेंस नहीं होते तो बाल ज़्यादा आते हैं। सबसे पहले इलाज वो होता है, उसके बाद हम बाकी इलाज की तरफ आते हैं। सबसे पहले अपना हॉर्मोनल इशू किसी गायनोकोलॉजिस्ट, अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे अपना टेस्ट कराएं, उसके बाद फिर हम लेज़र हेयर रिमूवल या फिर बाकी चीज़ों की तरफ आएंगे। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगी फेशियल हेयर के बारे में। इट्स अ वेरी कॉमन कंडीशन जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं, और इसकी वजह से फेशियल हेयर जो हैं वो बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। यही चीज़ जो कि चिकन है, अब अंडों के बारे में बात हुई, तो हर चीज़ इतनी ज़्यादा हार्मोनल उसमें इंड्यूस हो रही है कि हार्मोनल इम्बैलेंसेज अब बच्चियों में हैं
और उसी की वजह से फेशियल हेयर ग्रोथ होता है। अब लेज़र का मैं बताऊंगी कि यू आर सो काइंड कि आप चार्ज नहीं करती, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ये पैसा लूटने का एक बिज़नेस पूरा बनाया हुआ है, तो 10-10 सेशन करवाए जाते हैं बच्चों से एंड दे चार्ज 10,000 पर विज़िट, तो वो ये 1,00,000 के ऊपर चला जाता है। और चूंकि हमारे यहाँ ऑफकोर्स एवरीबडी कैन नॉट यू नो अफोर्ड, तो वो फिर उसके 3 और हम ऑल्टरनेटिवस बताते हैं कि या आप वैक्सिंग करवा लीजिए, या आप रेज़र करवा लीजिए, या आप थ्रेड करवा लीजिए, लेकिन सबसे पहले हॉर्मोन्स हैं। इसमें वेट लॉस बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम वेट लॉस करवाते हैं अपने पेशेंट्स का, बच्चों का हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज है, उनकी डाइट ठीक करवाना, जंक फूड बंद करवाना, तो वो जो ग्रोथ है वो कम होना शुरू हो जाती है। ये इसका बहुत है, लेज़र तो वो करवाएंगे लेकिन ग्रोथ को कम भी करना है तो वज़न को कम करें। दूसरी बात यह है कि फिटकरी एक छोटी सी सस्ती सी चीज़ होती है, अगर उसको पानी में डिप करके रेगुलरली रब करते हैं सुबह शाम, तब भी ये रिमूव हो जाते हैं, ये चीज़ होती है। उसके अलावा टूथपेस्ट को ब्रश पे लगा के ये फेशियल हेयर के ऊपर लगाते हैं 2 दफ़ा, तब भी हो जाती है। ये वो सस्ती चीज़ें क्योंकि हर इंसान हेयर पे, तो अगर आपने ब्रश लग... तो हर इंसान लेजर नहीं करवा सकता। ओके, इट्स एक्सपेंसिव, इट्स एक्सपेंसिव। नहीं, लेकिन ब्रश का बताइए कैसे, जैसे टूथपेस्ट लगाते हैं ऐसे लगा लिया, टूथपेस्ट को लगा के और यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और उसके बाद मुल्तानी मिट्टी से आप उसको साफ कर लें, आप फेस वॉश से साफ कर लें जब वो ड्राई हो जाए, फिटकरी से आप उसको साफ कर लें। मरियम बताइएगा क्या कहना। अच्छा, मैं फेशियल हेयर के लिए बताऊंगी कि जो लोग लेजर अफोर्ड नहीं कर सकते और वैक्सिंग इज नॉट सेफ, हाँ, क्योंकि स्किन ख़राब हो जाती है। अच्छा, जो मैं जो पर्सनली मैं अपनी स्किन पे यूज़ करती हूँ, मैं वही बताऊँगी कि रेजर्स आते हैं स्किन के, आपके फेशियल हेयर रिमूव करने के ट्विंकल रेजर्स होते हैं, आप बेबी ऑयल लगाएं मुंह पे और उससे आप अपने फेशियल हेयर रिमूव करें, आपकी ना स्किन ख़राब होगी, ना ब्रेकआउट्स होंगे, ना पोर्स ओपन होंगे। मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बहुत बड़ा टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड वेट लॉस। ब्रेक के बाद उसका बटर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। 1947 आपके घरों का हिस्सा है, आपके खाने के टेबल पे होता है, सॉल्टेड हो या अनसॉल्टेड हो, इट इज़ रियली 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 अमेजिंग। आप इसमें बना सकते हैं और मैं जब भी कोई भी डिश बनाता हूँ तो मैं न्यूटाउन डेयरी का इस्तेमाल करता हूँ, बिकॉज ये एक खास किस्म की इन्हांसमेंट देता है टेस्ट को। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब भी खाने बनाएं या ब्रेड स्प्रेड पे लगाएं या अपने नाश्ते के टेबल, आपके आपके पास न्यूटाउन डेयरी के बटर जो हैं वो ज़रूर होने चाहिए। सो थैंक यू न्यूटाउन, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड बाय द वे 1947 से ये आपके साथ है, सो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल राइट, अब कोई मुझे थोड़ी सी मदद कर दे, मेरा माइक पकड़ ले, ऐसे मैं बता दूं कि जी दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मैंने ये बटर लिया है और ये बटर मैं इसके अंदर डाल रहा हूं, और जी जी सारा बटर, सारा बटर। मैंने आपको पहले बताया कि आई यूज़ मैं बहुत कम्फर्ट फूड जो है वो बनाता हूँ, और इस वक्त हम क्रीमी चिकन बना रहे हैं न्यूटाउन डेयरी के इस बटर के अंदर, और बहुत ज़्यादा देर नहीं लगनी, विद इन 10-15 मिनट्स ये जो है ये चीज़ तैयार हो जाएगी। बस प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप अपनी पसंद के मुताबिक, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा है तो मैं कम कर देता हूँ। मैंने इसमें ज़्यादा था नहीं, ज़्यादा नहीं था एक्चुअली, नहीं था, बट आई वांट मेक श्योर कि मैं थोड़ा सा कम कर दूँ। बस ये मेक श्योर करें कि आप जिसमें खाने में नमक मिर्च, अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि सर भाई आप बहुत स्पाइसी बनाते हैं। येस, आई डू मेक वेरी स्पाइसी फूड, येस आई यूज़ अ लॉट ऑफ यू नो चिली पेपर्स एंड इट, लेकिन आप जैसे बनाना चाहते हैं वैसे बना लें। ये झटपट किस्म की क्रीमी चिकन है जो तैयार हो जाती है न्यूटाउन डेयरी के इस बटर के अंदर, एंड इट्स रियली 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 हेल्दी। अच्छा जी, लेकिन ये बात मैं बता दूं कि ये कम्फर्ट फूड होता है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कम्फर्ट फूड का फ़र्क ये होता है कि इसके अंदर जो गज़ाइत होती है वो कुछ ज़्यादा ही होती है, बहुत ज़्यादा ही होती है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर नमक जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मैंने थोड़ा सा नमक यूज़ किया, नमक के साथ साथ I'm gonna add. हम आपके रेस्टोरेंट आएंगे। आप ज़रूर आइएगा मेरे रेस्टोरेंट। I'm gonna use this. मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं बनाता, पकाता नहीं हूँ, ताकि इसका टेस्ट जो है वो मुझे मिलता रहे। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये होती है जब आप प्याज को बहुत ज़्यादा पकाते नहीं, ब्राउन नहीं करते हैं, तो आपने कभी कड़वाहट नहीं आती आपकी किसी भी चीज़ में जो आप बनाते हैं, उसके अंदर कोई कड़वाहट कभी नहीं ऐड होती। हमारे यहाँ बहुत तरीका, प्याज को ब्राउन करो, नहीं करना प्याज को ब्राउन। हाँ जी, इसके साथ साथ मैंने टोमेटोज जो हैं ये लिए हैं, ये मैंने ऐड किए हैं, एंड दिस कैन एक्चुअली रियली 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 वर्क। तो मैंने टोमेटोज डाले हैं, अब इसके बाद हम थोड़ा सा हमला करेंगे
बहुत ज्यादा मिर्चों का हमला करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले स्पाइसी पहली मिर्च, पहली मिर्च फिर दूसरी, फिर तीसरी, दूसरी मिर्च, पहली किस्म। जिन लोगों को तेजाबियत और एसिडिटी और अल्सर की शिकायत है, इन लोगों को नहीं खिलानी है, बिल्कुल नहीं खिलानी। मैं तो आज खाऊं, वो ये खाना नहीं खाए जिनको तेजाबियत है, अल्सर है, एसिडिटी। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके अंदर मैं क्रीम भी डालूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, थोड़ा सा मैं स्पाइसी जरूर खाता हूं। कैसे छोड़ दिया आपने पीछे? नहीं, अभी वो दूसरी डिश भी है ना। अच्छा, साहिर आपने कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च और मेरे ख्याल में ग्रीन, अभी एक और रहती है, ये देखो एक मिनट आपा, अब चल रहा है, मुझे करने दीजिए अभी। सर सही, आप लोग जैसे मर्जी बनाना चाहे बना सकते हैं, आप ऊपर से टॉप शॉट इसका लें, आपको पता लगेगा कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन मैंने आपके हाथ का खाना खाया, बस बहुत लजीज। अच्छा जी, मैंने जिंजर और गार्लिक पेस्ट जो है ये डाला है इसके अंदर। खाना कब डालेंगे? यार एक बात है डॉक्टर साहबा, मैं आपके घर में आके किचन में आपको बताता हूँ। नहीं तो फिर मुझे क्यों बता रही हैं? हाँ सही बात, वेरी सिंपल, मतलब आई डोंट टेल यू एग्जैक्टली हाउ टू डू इट, तो बस मैं भी मुझे काम करने दीजिए। हाँ सॉरी, आप यकीन मानिए ठीक बनेगा, और अगर नहीं बना तो क्या है, आप खाएंगे। ओके, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। इतनी मिर्ची देख हम सब डरते हैं हमेशा, लेकिन बड़ा अच्छा बन रहा है। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं चिकन। अच्छा, मैं बोनलेस इसलिए देता हूँ बिकॉज अगेन बोनलेस बहुत जल्दी बन जाता है, और इसके अंदर प्रॉपर तौर पे ये चीज़ें जो हैं ये शामिल हो जाती हैं, मसाले जो होते हैं आपके वो शामिल हो जाते हैं। खुशबू भी बहुत खूबसूरत आ रही है, वाओ, ये मुझे पता नहीं। वाओ, थोड़ा सा मैं एक और काम करने जा रहा हूँ, भिंडी। हाँ जी, भिंडी भी मैं बहुत जल्दी से बनाऊँगा। मुझे जिंजर और गार्लिक पेस्ट निकाल दीजिएगा यहाँ पर आके। आलिया, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, आई लव यू टू मैन, आई लव यू गाइस सो मच, इट्स अनबिलीवेबल। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा भून रहा हूँ, और साथ साथ ये मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ जी, इसको प्लीज़ उधर रख दीजिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक काम और कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्द जी, मुझे गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट दे दीजिए। नहीं नहीं, मुझे दीजिए, अभी चला तो नहीं है ना, मुझे इसी में बोलना है। ओके ओके, चले चलिए, मैं हिला दूं फिर आपको? नहीं नहीं, I'll do it, कोई बात नहीं, गलती से आता है पकाना हमें, तो आप लोगों हिला सकते हैं, कोई बात नहीं। जी नहीं, कोई बात नहीं, मुझे यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये तो अभी चिकन तो बन रही है, थोड़ा सा इसको मैं भून रहा हूँ। अब इसके बाद हम जा रहे हैं यहाँ जहाँ मेरे पास भिंडियाँ हैं, और मैं भिंडी जो है वो बनाने जा रहा हूँ, एंड वो भी बहुत जल्दी जो है वो तैयार हो जाएगी। इसके साथ साथ हमने ये दोनों चीज़ें एक साथ साथ बनानी है, तो मैं इसकी आँच थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। अच्छा, भिंडी भी बटर में बनाएंगे? बटर में बनाऊंगा। ओके। अच्छा जी, अगेन वंस अगेन 1947 से आपके घरों में है ये, सॉल्टेड या अनसॉल्टेड हो, ये जो न्यू टाउन डेयरी है, दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल। तो मैंने ये बटर लिया है, और इसके बाद डलेगा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं डलेगा चिकन में। खास चिकन में बात सिर्फ क्या, पूरा बटर में बना रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि बहुत मजेदार बनने वाली है। अब आपा, ये मुझे पता नहीं, बट मुझे ये पता है कि बस बना लूंगा मैं, बन जाएगा इंशाल्लाह। आपा, ये खुशबू बटर की ही आ रही है ना? जी जी जी, आप लोग बटर में नहीं बनाते, आप लोग उसमें बनाते हैं, ऑयल में, ऑयल के अंदर बनाते हैं। जी जी, ठीक है, ऑयल। अच्छा, ये जो ये होती है, ये मैं बहुत जल्दी की रेसिपी होती है मेरी, और मैं बहुत जल्दी जल्दी जो है इसको बनाता हूँ। इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा इसको इसका कायल नहीं हूँ कि भिंडी को बहुत ज़्यादा इस तरह से किया जाए। सौते होती है, स्टीम होती है भिंडी, लेकिन भिंडी बहुत अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो हियर वी गो, थोड़ी सी मैंने, अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक जो है वो ऐड करूँगा। अच्छा, मैं अपने अंदाजे से डाल रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग अपने अंदाजे से डालें, मुझे फॉलो मत कीजिएगा, आप लोग जैसा खाते हैं। नमक तो आप ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं, नो आई एम सीरियस, नमक आप ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं इसमें थोड़े से टमेटोज जो हैं वो ऐड कर रहा हूँ, टमेटोज के साथ आई गॉट दीज ग्रीन चिलीज, ये मैं ऐड करूँगा, और ग्रीन चिलीज के साथ दीज पेपर्स, ये मुझे क्रश पेपर डालने का बहुत शौक है, और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इनके बगैर खाना जो है वो बन नहीं सकता।
तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए कि जो मैं जैसे बना रहा हूँ, आप अगर वैसे बनाना चाहते हैं तो बना लें, वरना आपकी अपनी रेसिपी है, आप उसको किसी तरह से भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने जितनी चीज़ें डाली हैं देखने में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इसके बाद मैंने इसमें भिंडी जो है वो डाल दी है। ये बात याद रखिएगा कि अगेन भिंडी को मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगा, इसको बहुत लो फ्लेम पर बहुत सिमर वाली आँच के अंदर मैं पकाऊँगा। और ये भिंडी जो होगी थोड़ी सी क्रिस्पी होगी, एंड आई होप एंड प्रे कि आप लोगों को स्पेशली क्रिस्पी अच्छी लगती है, क्रिस्पी अच्छी लगती है। आप वो फाइंड आउट, वो फाइंड आउट। इसके अंदर आप चाहें तो आप लेमन यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। हाँ, वो उससे अच्छा टेस्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आपने थोड़ा सा लेमन जो है वो आपने इसके अंदर यूज़ कर लिया इफ़ यू वॉन्ट, वरना ज़रूरी नहीं है लेमन का यूज़ करना। दही का क्या होगा? ये दही नहीं है, क्रीम है, ये इसमें नहीं जाएगी, इसमें नहीं जाएगी। ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल डन। ये दम पे जी, बिल्कुल एक से हल्की आंच पे, एक से आज इसके बगैर ही हो जाता, बट दैट्स ओके, इट्स फाइन, दैट्स फाइन, इसमें इतनी जरूरत होती भी नहीं है ऐसे, जस्ट एन एडेड फ्लेवर हमने इसके। आप बस जी जी, लहसुन अदरक आप इसको बाद में कभी भी ऐड कर सकते हैं, इट्स नॉट के आपने उसी वक्त डालना है या उसी वक्त ऐड करना है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भिंडी का एक ख़ास लेस होता है जो इसके अंदर आ जाता है, और ये आ रहा है। मज़ा तो बिल्कुल खाने के बाद पता चलेगा, लेकिन एक मिसाल है कि पहले इंसान आँखों से खाता है, बहुत ही अट्रैक्टिव कलर। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर अब ये डाल दिया है, क्रीम, और ये आप इसके अंदर अगर चाहें तो आप इसके अंदर पाइन नट्स ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट। क्या ऐड कर सकते हैं? पाइन नट्स यानी चिलगोजे, छिले हुए, और उसको आपने ऐड करना है खोपरे के साथ, तो इट विल बी वेरी वेरी डिफरेंट, वो इंडियन रेसिपी बन जाएगी, श्रीलंकन, श्रीलंकन। लेकिन बहरहाल आप इसको ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट। यूजुअली साउथ इंडिया के अंदर इस किस्म की करीज जो हैं वो खाई जाती हैं, कोकोनट, कोकोनट के साथ। आप इसके अंदर अगर जैसे आपा कह रही थी, एक काम आप और भी कर सकते हैं, दैट्स रियली रियली गुड, जब आप इसको फ्राई कर रहे हों तो आप चिकन को कोकोनट वाटर के अंदर डिप कर दें, उसमें खास फ्लेवर जो है वो आ जाता है। हाँ जी, वो ऑलमोस्ट डन, इसको मैं ढक देता हूँ। और जी ये हटा दीजिए, नान मंगवा लें, नान भी हैं, पराठे भी हैं, हर चीज़ है। थैंक यू न्यू टाउन डेयरी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रखिए, थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप ये, एंड थैंक यू डॉक्टर साहिबा, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू, जब भी आप लोग ये सेगमेंट करें, जब भी आप लोग अपने घर पे इसको ट्राई करें, प्लीज़ मेक श्योर कि किचन जो है वो बिल्कुल क्लीन रहे। आज मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, उसका रीज़न ये है बिकॉज आज थोड़ा सा इश्यू मेरे माइक के साथ हुआ है, अचानक से हो जाता है, नॉर्मल था बिल्कुल, और अचानक से द माइक वेंट बैड ऑन मी, तो ब्रेक में जब माइक ब्रेक ही आ गया तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, आप कहीं मत जाएगा, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारी डाइट्स हैं, पहले आप डाइट्स पे कंट्रोल करें, और जो बहुत ज़्यादा हैवी लोग हैं सबसे पहले रोटी और चावल माइनस करें अपनी डाइट से, तो बहुत हद तक बेहतर हो जाते हैं। वेट लॉस के लिए भी ऑल्सो अपनी डाइट में जो आप ज़्यादा कैलोरीज वाली डाइट ले रहे थे उसको आप मोर देन लेस कर सकते हो और एक्सरसाइज कर सकते हो। खाने में हद करनी चाहिए, पहले तो हमें जंक फूड नहीं खाने चाहिए, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। वैसे वेट लॉस के लिए वैसे मेरा वेट तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जो जिन लोगों का ज़्यादा वेट है वो जिम करें, हेल्दी डाइट लें और फ्रेश फ्रूट्स लें, फ्रेश वेजिटेबल्स लें, तो इस तरह उनका जो वेट लॉस है पॉसिबल है। सीड्स खाएं, फ्लैक्स सीड हो गए, चिया सीड्स हो गए, इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़र्क आ सकता है। मैं वेट लॉस के बारे में कुछ नहीं कह सकती, मुझे डाइट नहीं होती। वेट लॉस के लिए भी आजकल बहुत अच्छा है इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जंक फूड अवॉइड करें, प्लस ये कि थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करें, थोड़ा वॉक कर लें, वन आवर की वॉक या 45 मिनट्स की वॉक बहुत ज़रूरी है आपके लिए ना। कैलोरीज जिसमें बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि ऑयली हो, वो चीज़ें अवॉइड करें, जैसे कि जंक फूड होते हैं वो ना लें, उससे हमारी स्किन भी ख़राब होती है और जंक फूड से हमारा वेट भी गेन होता है। ज़ीरा पानी पिएं, दालचीनी का पानी पिएं, उबाल के जैसे दालचीनी और ज़ीरा मिला के उसको फिर उबाल लें थोड़ा थोड़ा मिकदार में, उसका पानी पिएं तो वो काफ़ी वेट कम हो जाता है। नींबू को पानी में मिला के नहार मुँह सुबह में पिएं रोज़ाना की बेसिस पे तकरीबन एक दो महीने, तो उससे भी सुना है कि वेट लॉस हो जाता है। ऑलराइट, आप आपसे शुरू करते हैं वेट लॉस।
वेट लॉस हमारे यहाँ एक वबा बन चुकी है. हर तीसरे आदमी का वेट इतना ज़्यादा है. उसकी वजह यह है कि हमने वॉक को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है. एक्सरसाइज को निकाल दिया. पुराने ज़माने के लोग इसीलिए बहुत ज़्यादा हेल्दी थे कि ख़वातीन घर से बाहर कम जाती थी लेकिन घरों के काम खुद किया करती थी. पोछे लगाती थी, झाड़ू देती थी, कपड़े धोती थी, सिल बट्टे पर मसाले पीसती थी, तो उससे उनकी पूरी बॉडी एक्टिव रहती थी. अब हमारे यहाँ ये सारा काम हमने मासियों को दे दिया है. आप देखिए हमारी मासियाँ कितनी एक्टिव हैं, कितनी स्लिम एंड स्मार्ट हैं. अच्छा, सबसे पहले ये कि अपने वो तमाम लोग जो अपने वेट से परेशान हैं, ऐसी तमाम चीज़ें अपनी ज़िंदगी से स्किप कर दीजिए जो हम बिला वजह लेते हैं. अब आपको कोई कुछ कह के भी गया था? कोई आपको बाहर से, कोई ऊपर से कोई आया था, कोई ऐसी कुछ चीज़ हुई थी? अभी मैं आप बता रही थी मैं डॉक्टर साहिबा को कि देखिए हम लोग तो ख़ानदानी तौर पर हिकमत करते आए. जी जी बिल्कुल. तो मेरी दादी को देखिए मैं बात कहूँगी फिर आप मजाक उड़ाएंगे. जिन्नात आशिक थे मेरी दादी के और मैं सच बता रही हूँ आपको. और जिन्नात जो होते हैं वो नहीं आते क्या हुक्म है मेरे आका, ये सब बातें गलत हैं. जिन्नात निशानदही करते हैं, जिस पर वो आशिक होते हैं उस पर अपना थोड़ा बहुत उनको नवाजते हैं. नुकसान जो अच्छे होते हैं नुकसान नहीं पहुंचाते और वो सिर्फ़ उसी को करते हैं. और जिन्नात निशानदही करते हैं इंसान को कि आपको क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है. तो आप जिन्नात क्या हुआ था? तो उन्होंने दादी को क्या गिफ्ट दिया? मैं वही बताने चाहूँ. पैसे दिए? अच्छा, कोई सोना चांदी? देखिए ये सब ख्याली बातें हैं. पैसे दिए और वो रगड़ ली अंगूठी, ऐसा कुछ नहीं होता. जिन्नात जिन लोगों पर होते हैं आज भी तमाम घरों पर उनका साया होता है. जो नेक होते हैं वो तंग नहीं करते. आपा दादी को क्या दिया वो बता दें? दादी को बता. मेरी दादी बहुत खूबसूरत थी. मेरी दादी के बाल झड़ गए थे. देखिए पहले बहुत बड़े बड़े लॉन होते थे, बागात होते थे और झूले डलते थे उसमें. और तमाम ख़वातीन जो बड़े बड़े जिनके दालान होते थे हमारे, हम जहाँ सदर में रहते थे, हमारा अभी भी 113 114 जो हमारी कोठियाँ हैं उनमें आज भी बहुत बड़े बड़े दालान हैं और उसमें बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं. जंगल जलेबी के हैं, नीम के हैं, बेरी के दरख्त हैं. बेरी के दरख्त के ऊपर अमूमन होते हैं. मेरी दादी यानी झूला झूल रही थी या पता नहीं क्या हुआ. खैर मेरी दादी की जो भी तबीयत ख़राब हुई एकदम तेज़ी के साथ उनके बाल उतरना, मेरी दादी के बाल यहाँ तक थे, ख़त्म हो गए. तो वो बहुत परेशान हुई, रोना धोना हुआ, ये वो बहरहाल. फिर मेरी दादी उसी दरख्त पे झूला झूल रही थी. पुराने ज़माने की ख़वातीन की यही मसरूफियात होती थी. यानी कोई इसमें ये नहीं है कि कोई झूठ है या कुछ वो है. नहीं, आप हुआ क्या फिर? तो फिर मेरी दादी को जिन ने ही बताया कि क्या चीज़ें आप इस्तेमाल करें तो आपके बाल दोबारा से उग आएंगे. वो क्या चीज़ें थी? जिस बेरी के दरख्त पे मेरी दादी झूल रही थी उसी बेरी के दरख्त गिरे, दरख्त के पत्ते गिरे मेरी दादी के सामने, वो आया. और उसके बाद मेरी हमारे दालान की चीज़ें बता रही हूँ. बहुत सारे बेरी के दरख्त के पत्ते मेरी दादी के सामने गिर गए. अब किसी को कुछ पता ना चला. बहरहाल उसके बाद जब दादी रोज़ जाती नहीं, पत्ते गिरते रहे, मेरी दादी ने उठाना शुरू कर दिया. उसके बाद उन्होंने जिनों की ही निशानदही पर उन्होंने ये आंवला होता है वो लगा हुआ होता है लोगों के घरों में, इतना लंबा लंबा पतला होता है वो उसकी निशानदही की. उसके बाद उन्होंने यानी जो बाल छड़, हम लोग इसको मजाक की बातें समझते हैं लेकिन उसमें फिर तेल में मेरी दादी ने पकाकर बेरी के पत्तों को लगाना शुरू किया. बेरी के पत्ते और आंवला लगाना शुरू किया जी, तेल में पकाकर. और ये जिन्नात की निशानदही थी. मेरी दादी जहर मैं तेल कौन सा था? सरसों का. मेरी दादी ने तो सरसों का तेल इस्तेमाल किया था. हमारा ख़ानदानी नुस्खा है. मरते वक्त तक मेरी दादी के बाल इतने लंबे थे. तो अब अगर आपके बाल झड़ रहे हो तो ये जिन्नात का दिया हुआ नुस्खा है बकौल. जी जी. और जो लोग मेरा भी ख़ानदान देखता है सब मेरी दादी के हुस्न से, मेरी दादी के बालों से वाकिफ़ थे. मेरी दादी के मरते दम तक इतने बड़े बाल. चलिए जी, मैं तो कुछ नहीं कह सकता इस सिलसिले में. सरसों का तेल है उसको गर्म कीजिए, उसमें बेरी के पत्ते डालें और आंवला डालें और आपके बाल जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे. तो हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं. हाउ डू यू मेंटेन योरसेल्फ? इंटरमिटेंट फास्टिंग. इंटरमिटेंट जी. 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे. 12 घंटे 16 18 घंटे. शुरू आप 12 घंटे से करते हैं फिर आप 16 घंटे पे चले जाते हैं फिर आप 18 और फिर मैं 22 पे भी जाती हूँ. बट आई डोंट रिकमेंड आप लोग इतना करें. बट ये और ऑल्सो अब तो काफ़ी मेडिकेशंस भी अवेलेबल हैं
जो आप यूज़ कर सकते हैं। इन डर्मेटोलॉजी में भी अब काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, बट आई रिकमेंड अगर खुद नेचुरली कर सकते हैं तो वो बेहतर है। बट हियर इज माय क्वेश्चन, अगर कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाओ तो आपके बाल वगैरह झड़ने लगते हैं, स्किन मुतासर होने लगती है? दैट इज़ ट्रू, बिकॉज फास्टिंग तो आप करें, लेकिन उसमें देखें आई डोंट स्टॉप ईटिंग। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं अवॉइड कर दूँ कि नहीं मैं इंटरमिटेंट हूँ तो मैं चावल नहीं खा रही, मैं रोटी नहीं खा रही, मैं सब खाती हूँ। आई ईट एवरीथिंग इन दैट स्पैन जो मेरे पास होता है, जो विंडो होती है मेरी ईटिंग विंडो में, मैं सब खाती हूँ। तो आई थिंक उस चीज़ में इतना इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरली भी हमारी बॉडी को हर वक्त खाना इज़ नॉट यू नॉट सपोज टू। तो एक बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से आप खाएँ, सब कुछ खाएँ, सब कुछ, लेकिन जिस तरह 8 बजे 9 बजे के बाद कुछ ना खाएं वो आपके लिए जहर है। वो तो आप आई एम श्योर आप बता सकती हैं कि कितना हार्मफुल है रात का खाना। लेट्स आस्क डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब क्या कहती हैं? बिल्कुल सही बात है, अगर आप ये विंडो बना लेते हैं अपनी, और ये 11 से 7 बजे वाली जो विंडो है, मैं ज़्यादातर अपने क्लाइंट्स को यही रिकमेंड करती हूँ, 11 बजे अगर नाश्ता करते हैं, और क्योंकि हमारे यहाँ सबको ही देर से तकरीबन उठने की आदत है, या वो ये कहते हैं कि हमें नाश्ता करना पसंद ही नहीं है, और रात का खाना जो है वो मोस्टली हमारे यहाँ बहुत हैवी सारे लोग खाते हैं, और उसी वजह से फिर उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है। तो 11 बजे ब्रेकफास्ट लें और 7 बजे विंडो को क्लोज कर दें। ये वाली जो विंडो है ये बहुत अच्छी है, 11 से 7 बजे। अच्छा, और इसमें यह है कि अगर ये 11 से 7 बजे, अब ये तो यंग हैं, लेकिन ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी एज बढ़ती जाती है तो मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है। तो ये जो 11 से 7 बजे की विंडो है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस विंडो में आपने बहुत ज़्यादा खाना है। इसमें भी आपने पोर्शन के साथ खाना है। 1 घंटे का टाइम आप रखें अपने आप से मोहब्बत करने का, इस तरीके से कि आपने उसमें एक्सरसाइज करनी है। उसमें आप 30 मिनट्स की कार्डियो कर लें, 15 से 20 मिनट की आप फ्लोर पे स्ट्रेचिंग कर लें, वो बहुत अच्छा रहेगा। एंड दैट्स इट। ओके, ऑलराइट। अच्छा, आपने 12 केजी कम किया, हाउ डिड यू डू इट? मैंने वॉक की है खाली, और सबसे पहले तो शुगर बिल्कुल कट कर दें, शुगर बिल्कुल भी ना लें, किसी भी सूरत ना लें, क्योंकि शुगर सबसे ज़्यादा वेट आपका बढ़ाती है। और वॉक बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, सब हेल्दी भी रहते हैं, आप एग्री करेंगे। जैसे ये कहते हैं कि जी नान नहीं लेने, रोटी नहीं लेनी, चावल नहीं लेने, शुगर नहीं लेनी, इज़ दैट ट्रू? ये बात सही है, बिल्कुल ठीक है। मैं तो सब खाती हूँ दौरान, मैं सब खाती हूँ, बट लेकिन जिस तरह उन्होंने मेंशन किया एक्सरसाइज ज़रूरी है, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर कोई बाहर स्टेप आउट नहीं कर सकता, बाहर नहीं कर सकते, तो यूट्यूब पे सिंपली आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, डेली एक्सरसाइज, मेंटेन एक्सरसाइज, 7 मिनट्स की एक्सरसाइजेज होती हैं विच आर वेरी गुड। वो 7 मिनट्स के हेवी एक्सरसाइजेज होती हैं, कोर एक्सरसाइज जिनको बोलते हैं, वो करें तो उनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। ऑनलाइन चीज़ें बड़ी अवेलेबल हैं, अब तो बड़ी कन्वीनियंस आ गई है कि यूट्यूब के थ्रू आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो आई थिंक बस इसी तरह जिस उन्होंने मेंशन किया, अपनी चीज़ें कट डाउन कर लें जो हार्मफुल हैं एंड जस्ट एक्सरसाइज दैट। जी आप? जी बिल्कुल, आप दोनों डॉक्टर साहिबा ने बहुत शानदार बात बताई, गुड़िया ने भी, लेकिन शुगर, जो शुगर पेशेंट हैं उनको मैं ये कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी से शुगर को बिल्कुल स्किप ना कीजिए, थोड़ा बहुत ज़रूर लेते रहें। एंजाइमर का जो मर्ज़ है आजकल, भूलने की शदीद तरीन बीमारी जो है, वो बिल्कुल मीठा स्किप कर देने से है शुगर के पेशेंट के लिए ख़ास तौर से। ओके, तो शुगर नहीं लेनी है जी, और आपने ब्रेड नहीं लेनी है, आपने बाकी चीज़ें लेनी है अगर आप नॉर्मल करें। अच्छा, ये नॉर्मल जो बता रहे हैं वो ये कि आपने पोर्शन कंट्रोल करना है, ऐसा नहीं है? ब्राउन ब्रेड ले लें आप, नॉर्मल ब्रेड भी ले सकते हैं अगर आप पोर्शन कंट्रोल। देखिए मैं सब कुछ खाता हूँ लेकिन मैं पोर्शन कंट्रोल करता हूँ। इसको कैलोरी डेफिसिट डाइट भी जिसको बोलते हैं, कि आप अपना बस कैलोरी खाएं सब, लेकिन कम क्वांटिटी में, ये नहीं कि टूट पड़े कि आज आखिरी देना है, जंक फूड बिल्कुल खत्म कर दें अपनी जिंदगी से। ये पता है हम कहते हैं लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि करना, ये लड़कियों को जो एक्नी हो रही है, जो अभी कॉल्स आ रही है कि एक्नी हो रही है या बैकनी हो रही है, ये बहुत बड़ी वजह है फेशियल हेयर, ये जंक फूड की वजह से भी। लेकिन चलिए इनको इतनी स्पेस में दे देती हूँ अपने पेशेंट्स को, चले हफ्ते में एक दफा एक मील ले लें, क्योंकि वो बिल्कुल खत्म तो कर नहीं सकते। आप किसी को रिस्ट्रिक्ट कर देना कि ये नहीं करना, वो उतना ही करेंगे, दिल भी जाता है फिर ज्यादा। और चीट डे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इट्स अ चीट मील, इट्स अ मील, थैंक यू। यस, वो डे जो है ना, वो सुबह से लेकर रात तक लोग खा ही जाते हैं, हमारा चीट डे, दैट्स नॉट, नो, इट्स अ चीट मील, या वंस अ वीक। सो इट्स अ चीट मील वंस अ वीक। ज़िंदगी आप ऐसे भी गुजार सकते हैं जैसे आप गुजार रहे हैं, ज़िंदगी आप ऐसे भी गुजार सकते हैं जैसे इन सब ने बताई है, बहुत सारे हैक्स हमने आपको बताए हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप सब कुछ खाएं, लेकिन प्लीज़ पोर्शन कंट्रोल करें, इतदाल के साथ खाएं। यू कैन ईट एनीथिंग। मैं आपको अपनी डाइट बता देता हूँ, मेरी विंडो हर वक्त चलती है, आई एम सॉरी, बट मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करता, मैं अपनी कोई चीज़, मैं कैलोरीज नहीं देखता, लेकिन ये ज़रूर होता है मैं जो भी चीज़ लेता हूँ बहुत थोड़े 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 पोर्शन के अंदर लेता हूँ, और मुसलसल मैं, मतलब इवन इफ़ आई एम वर्किंग टिल 4 in the morning आई एम एक्चुअली ईटिंग। मैं चाय भी पी लेता हूँ सुबह 4 बजे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ ऐसा ना करें।
एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें हमने पूरा शो करना है, दैट्स द स्लीप साइकिल। मैं उसके साथ बड़ा स्ट्रगल करता हूँ, मैं 2 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पाता, बट प्लीज़ डोंट फॉलो मी, आई एम टेलिंग यू कि इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं, और अब मुझे पता चल रहा है माई बॉडी इज़ एक्चुअली टॉकिंग टू मी नाउ, तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। रात को आप जल्दी सो जाइए, सुबह को जल्दी उठ जाइए, गेट अप अराउंड 4-5 इन द मॉर्निंग, आपको आपकी ज़िंदगी बेहतर लगेगी, अच्छी गुजरेगी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, 11 बजे से 7 बजे की विंडो कर लीजिए, उसमें आप खा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि 11 से 7 बजे आपने इतना स्टोर कर लिया कि आपसे चला भी नहीं जा रहा, ऐसा नहीं है। 11 से 7 ये इंटरमीडियंट फास्टिंग के लिए कह रहा हूँ। उसके बाद वो विंडो दे दीजिए, 7 बजे आप सब कुछ खाना बंद कर दें, हल्के फुल्के फ्लूइड्स ले लें। फ्लूइड्स का मतलब क्या है, ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ब्लैक टी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जिस्म भी कम होगा, आपके ओवरऑल चर्बी जो है वो घुलेगी, लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड करें, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बाल हों, चाहे वो आपकी स्किन हो, चाहे वो आपका वेट हो, डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो विटामिन शामिल करें अपनी डाइट में, जो आपा के मशवरे हैं, जो डॉक्टर साहबा के मशवरे हैं, जो मरियम के मशवरे हैं, डॉक्टर साहबा के मशवरे हैं, इस सब अपनी जगह बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बट दीज पीपल डू नॉट नो कि आपकी बॉडी इस वक्त किस कंडीशन में है। अनलेस एंड अनटिल, मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब से मैं शोज कर रहा हूँ, हमेशा एक बात कहता हूँ, ये मेरे भी पसंदीदा शोज होते हैं, बिकॉज इससे आप लोग बहुत कुछ सीखते हैं। मैं जब से करूँ, प्लीज़ एक बात, ये डिस्क्लेमर नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप डेफिनेटली जाएं और डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके, को मशवरा देना चाहेंगे उनको? मैं यही बोलूँगी बस कि वॉक अपनी ज़िंदगी का आप एक हिस्सा बना लीजिए। आपसे सुबह अगर वॉक नहीं होती तो आप रात में उस टाइम पे वॉक कर लें कि जिस वक्त आपका सोने का वक्त है उससे थोड़ी देर पहले आप वॉक कर लें, जैसे मैं करती हूँ। आप 1 घंटा वॉक नहीं कर सकते, आप 20 मिनट्स कर लें, 30 मिनट्स कर लें, लेकिन वॉक ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। Yes. आपने आपको पॉजिटिव रखें, और एक आपका गोल हो, एक टारगेट हो जो आपको अचीव करना है, बगैर गोल और टारगेट के कि नहीं बस हो जाएगा, बस एक ज़िंदगी है, बस हम गुजार लेंगे, ज़िंदगी खाने के लिए है, नहीं ऐसे नहीं। आपका एक मिशन हो, एक एम्बिशन हो, और उसके तहत अपनी ज़िंदगी गुजारना। डॉक्टर साहब, जैसे उन्होंने कहा कि ज़िंदगी गुजारना और जीने में फ़र्क है, प्लीज़ ज़िंदगी जिए, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, आधे मसले वैसे ही ठीक हो जाएंगे। अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजारने के लिए रात का खाना जल्दी खाएँ, रात को जल्दी सोने की आदत डालिए, और सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। आप यकीन करें कि ज़िंदगी में सिर्फ कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। ऑल राइट जी, एक बात याद रखिएगा, हमेशा लाइफ में रिग्रेट्स नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में रिग्रेट है तो फिर कुछ ना कुछ आपने ज़रूर गलत किया या आपसे ज़रूर हो गया। हर चीज़ एक लर्निंग एक्सपीरियंस होती है, उसको उतना ही लीजिए। ज़िंदगी में खुश रहें, खुश रहने की कोशिश कीजिए। खुश रहना कोई साइंस नहीं है, कोई आर्ट नहीं है, इट्स अ प्रैक्टिस, जेन्युइन प्रैक्टिस। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपने जहन के जावियों को तब्दील करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है द वे यू सी थिंग्स। याद रखिए, अब मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर आप यहाँ ना खुश हैं ना, कराची में ना खुश हैं, तो आप स्विट्ज़रलैंड में भी ना खुश होंगे। जगह बदलने से इंसान नहीं बदलते, जाविया बदलें सोचने का। कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।